Assalamualaikum and good morning. आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। तो जनाब, जैसे जैसे हफ्ते के दिन गुजरते रहते हैं, हम जुम्मे के करीब आते हैं, यानी अपने वीकेंड के करीब आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब हफ्ते का मिड आ जाता है, यानी बुध या मंगल या जुमेरात आती है, तो हम थोड़े एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं काम करने के लिहाज से। छुट्टी आ जाती है, फिर सुस्त हो जाते हैं। अगर नाश्ता आपने हैवी किया तो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और अगर नाश्ता आपने लैपटॉप में जल्दी से रख दिया कि किसी को नजर ना आए, तो मेरे ख्याल से आपको भूख ज्यादा लगने लगती है। सामने पराठे पड़े हैं, वो भी आलू के पराठे। ऐसी बात है, सुबह के टाइम अमूमन यही नाश्ता होता है, पराठे होते हैं या पापे होते हैं, चाय होती है, कॉफी होती है, नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी-कभी अंग्रेजी नाश्ता भी होता है ना। बस नाश्ता होना जरूर चाहिए और हैवी नाश्ता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैवी हो रही हैं, वो ये हैवी हो रही हैं कि जनाब, आटे और चीनी की कीमतें जानने के लिए हुकूमत का सर्वे, वजीर आजम ऑफिस की जानिब से आवाम से दरख्वास्त की गई है अपने अपने इलाकों की मतलूबा मालूमात सिटीजन पोर्टल पर दें। ये पोर्टल बहुत देर पहले श्रेप कायम किया गया था और ये इसीलिए था कि आवाम को जो जो शिकायत हो वो यहाँ पर दी जाएं, ताकि हमारी जो हुकूमत वक्त है उन्हें पता चल सके कि आया आवाम के गली मोहल्लों के चौक चौराहों के मसले है क्या। अच्छा, एक तो वो बात थी कि मसले क्या हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पर अगर मसले हैं तो आप वो शेयर करें, उसको फिर रिस्पेक्टिव डेस्क को फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया, इसमें बाकायदा तमाम लोगों को एक मैसेज किया गया है कि आपके इलाके में शुगर और वीट की प्राइस क्या है, आटा और चीनी इसकी कीमतें क्या हैं, ये आप हमें बताएंगे तो उसके बाद ही हम कोई स्टेप्स उठा पाएंगे। बकायदा एक फॉर्म दिया गया जिसमें आप नाम देंगे, अपना नंबर देंगे, अपने इलाके के हवाले से बताएंगे कीमत क्या है, उस दुकान का नाम क्या, ये आप बताएंगे। हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि अशिया महंगी हैं, तो जब तक हुकूमत को ये मालूम नहीं होगा कि गली मोहल्ले में, चौक चौराहों में या फॉर दैट मैटर किसी भी मार्केट में रेट क्या है, तो वो कैसे स्टेप्स लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का कि अब हम बताएं ताकि उसके बाद ही वो इसको कीमतों को कम कर सके। यानी हुकूमत अपने तौर पर जितना काम कर रही है, कर सकती है, हुकूमत कर रही है, लेकिन दरमियान में जो एक मिडल मैन की बात आ जाती है, सारा काम वो खराब कर देता। बिल्कुल ऐसे है जनाब। गैस प्रेशर कम होने की वजह से सिंध में सुबह 8 बजे से अचानक 3 दिन CNG बंद रखने का फैसला किया गया है। यानी CNG स्टेशन्स अब 3 दिन बंद रहेंगे। घर के शुक्र है, नहीं यानी हम पराठे खा सकते। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा से कहा गया है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर हमारी प्रायोरिटी है और जो कमर्शियल पर्पज है उसको हम जरा थोड़ा सबसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 दिन बंद रहेगी सिंध में, लेकिन इस्लामाबाद और पंजाब में मामला ये है कि अब बिल्कुल CNG नहीं मिलेगी। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी हुक्म-ए-सानी रोक दी गई ताकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से मुराद मेरी है कि वो कम से कम परेशानी उठा सके कि गैस उसके घर में आए। यानी आवाम को तरजीह पे रखा गया है ना। और जनाब, जब हम आवाम की तरजीहात की बात करते हैं तो हम एक रोज़ाना पैगाम देते हैं कि कोरोना वायरस जिसकी दूसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है, इस लिहाज से कि इसमें अमवात की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहली वेव की बात करें। बरतानिया में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 53,000 केसेज सामने आए। याद रहे कि बरतानिया वो मुल्क जहाँ पर हमने देखा कि कोरोना वायरस की नई किस्म भी आई, वहाँ पर लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया गया, उसके बावजूद हालात काबू में नहीं हैं। 414 मरीज हलाक हुए, अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है, जबकि अगर हम सुपर पावर यानी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर मज़ीद 3,340 अफराद लुकमाए अजल बन गए, 1,80,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सोचें, ये वो ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा आवाम के लिए सहूलियत है, लेकिन वहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं वो ये साफ अक्कासी करें कि आवाम से चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, या आवाम सीरियस नहीं ले रही, या तो वहाँ पे कोरोना वायरस का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उनका हेल्थ सिस्टम उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अच्छा, और जब नई किस्म की हम बात करते हैं, दैट इज़ B.1.1.7 पाकिस्तान पहुँच चुकी है। 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, जो UK से फ़्लाइट्स आई थी उनमें जो पैसेंजर्स थे उनके नमूने लिए गए थे, 6 पॉजिटिव आए थे, उनमें से 3 वो थे जिनमें ये B.1.1.7 टाइप थी, वो जो वेरिएंट है इस COVID-19 का, वो उनमें पाया गया है। दैट मीन्स कि अब पाकिस्तान में ये स्पेशल किस्म जो है पहुँच चुकी है, और जाहिर है उनका आना और उसके बाद लोगों से मिलना जुलना वो वायरस फिर फैल जाता है। एनी वेज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस वक्त हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्ब्स ने साल 2020 के लिए बेहतरीन लग्जरी जहाज़ों की फहरिस्त जारी कर दी है। बहरी जहाज कॉस्मोस ये नंबर 1 पे है, टॉप ऑफ द लाइन कह सकते हैं इसको हम,
और अगर एक और जहाज की हम बात करें तो स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल की बहरी कश्ती सनरीफ इस फोर्ब्स 2020 के लिस्ट में शामिल है। चलिए जी, ये तो हमने कुछ टॉप स्टोरीज आपके सामने रखी, बढ़ते हैं आगे। और क्यों ना सबसे पहले नाश्ता करें, यानी सियासी नाश्ता करते हैं सबसे पहले। बार बार नाश्ते की बात है ना, मेरे सामने पराठे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से एक बाइट ले लूं, लेकिन मैं अभी नहीं ले सकती ब्रेक में मिलेंगे, इधर सबर रखना चाहिए। सियासी नाश्ता आपको करवा देते हैं, आप घर बैठ के देसी नाश्ता कर लें, देसी नाश्ता करते करते सियासी नाश्ता सुन लें। जनाब, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया। सर्दी में खूब ठंडा पानी फेरा, इस लिहाज से ठंडा पानी मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के इस एकदम से नून लीग और मौलाना फजल रहमान परेशान हो गए कि करना क्या है। पीपल्स पार्टी का ऐवानों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करने का फैसला कल सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने यह फैसला सुना दिया है। बिलावल कह रहे हैं कि असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, तमाम जमातें मिलकर सेनेट इलेक्शन में हुकूमत का मुकाबला करें। याद रहे कि सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी शुरू से हिमायत करी है, लेकिन नून लीग इसकी मुखालिफत में हमें नजर आ रही है। बिलावल ये कह रहे थे कि वक्त आ गया है, हुकूमत 31 जनवरी तक घर चली जाए वरना खुद निकाल देंगे। सवाल ये है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मौकफ़ है कि सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, तो इससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि पीडीएम में दरार आ रही है, और अगर पीडीएम टूट रही है तो फिर हुकूमत को खुद कैसे निकालेंगे। अच्छा, और एक बात से ऐड करता हूँ, महक, जब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अवाम हुकूमत को खुद निकाल देगी, जब बिलावल भुट्टो ही 27 दिसंबर को तकरीर करते हुए कहते हैं कि अवाम भूख से मर रही है, तो वो ये भूल जाते हैं कि उसी दिन उन्हीं के शहर में, यानी गड़ी खुदा बख्श में, जहाँ पर वो जलसा कर रहे थे, वहीं पर लोग बिरयानी ले जाने वाली गाड़ी पर टूट पड़े थे। आपको अपने सूबे की, अपने शहर की भूख का ख्याल नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं आप, तो ये ज़रा सवाल उठता है कि भैया क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, 31 दिसंबर तक इस्तीफे क़यादत के पास जमा कराने की फ़ैसले की जो है वो तौसीक हो गई है। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ क्या कहा, ये सियासत में हलचल मची क्यों, ये रात गए हुआ क्या, ज़रा सुनिए। इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे, हम आपको घर भेजेंगे। हमें इस सिलेक्टेड ना जायज ना लायक ना अहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए जबरदस्त, जहां तक अगर वो नहीं करता है तो फिर, अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको जबरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं not going to share with you right now. ek din ke liye establishment siyasat mein amal dakhal band kare, usi din ye hukumat girti hai. कैसे निकालना है इमरान खान को, वो प्लान शेयर कर नहीं सकते, वो प्लान क्या है अगर सियासी तज्ज़ियेकारों से पूछें तो वो भी ये कहते हैं कि ऐसा कोई प्लान हो नहीं सकता, ये सिर्फ सियासी गहमा गहमी की बात है, इस तरह से हुकूमतें जाया नहीं करती, इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी छोड़ा नहीं करते। और जो बाहर गए, जो पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, फिर खुद निकल कर चले गए, उनकी वापसी से मुतालिक बड़ी अहम बात की गई है। हाँ, और नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक साफी ने जब बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल पूछा तो पहले तो बिलावल हकला गए, फिर जवाब ही गोल कर गए, वो भी आपको दिखाते हैं मनासर। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने यह राय दी कि या नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस पूरी तरह एक मिनट, जहां तक देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन व्हाटसोएवर इन द राय ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी।
तो जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी तो पहले तो ज़रा थोड़ा हक्का बक्का हो गए और फिर जवाब वो गोल कर गए, लेकिन इसका जो हम क्या कहेंगे क्रक्स जो निकला, जो इसका निचोड़ निकला वो यही था कि उन्होंने कहा कि हम जब तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते, हम तब तक जो है इस्तीफ़ों की बात नहीं करेंगे, वो वतन वापस आएंगे तब हम सोचेंगे कि गोया इस्तीफे देने के नहीं। याद रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने सिंध हुकूमत कुर्बान करने तक की बात कर दी थी, ये कह दिया था कि बस अब असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, फ़ौरन से इस्तीफे दे देंगे, लेकिन जब करना पड़ा तो वही बात है कि जो हुकूमत कह रही थी कि जब किया जाएगा तभी पता चलेगा कि अमल दरामद होता है या नहीं। अब देखते हैं क्या पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जब सियासी जमातों की मंजिलें मुख्तलिफ हों तो फिर इस तरह के मामला रिपोर्ट हो जाते हैं। बट लेट्स सी, ज़ाहिर है सियासत का कोई हरफ आखिर होता नहीं है, लेट्स सी आगे चलकर होता है क्या, इस मामले को किस तरह से पीडीएम आगे लेकर चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुज़श्ता रोज़ की सबसे अहम और बड़ी खबर अगर हम सेहत को लेकर बात करें तो वो थी कोविड-19 की जो नई किस्म है, नया वेरियंट है, वो सिंध में रिपोर्ट हुआ है। बरतानिया से 12 अफराद का कोविड टेस्ट हुआ था, यानी जो यूके से आए थे, और 6 अफराद कोविड-19 पॉजिटिव हुए, उनमें से 3 ऐसे थे जिनमें वो नया वेरिएंट था, दैट इज़ V117। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 3 में कोरोना की नई किस्म रिपोर्ट हुई और जीनोटाइपिंग टेस्ट के जरिए मालूम हुआ है कि ये B117 है। 95% जो इसका रिजल्ट है वो तो मैच हुआ है, बाकी अभी एक और मरहले से गुजरेगा, उसके बाद ही मजीद कन्फर्मेशन आएगी। ये नमूने जीनोटाइपिंग टेस्ट के एक और मरहले से अब गुजरेंगे, उससे मुतालिक भी हमसे चीज़ें शेयर की जाएंगी। अब इसमें सवाल ये उठता है क्यों, ऐसा क्या, ऐसी क्या गलती हुई कि यूके के पैसेंजर्स यहाँ पर आए और फिर इस तरह से ये वायरस पाकिस्तान में, बिकॉज जब कोविड-19 रिपोर्ट हुआ था चाइना में, उसके बाद बहुत से ममालिक ने पाबंदियाँ आयद की थी, बहुत से ममालिक ने बहुत सी कोशिशें की थी कि कोविड-19 यहाँ पर ना पहुँचे, उनके ममालिक में ना पहुँचे। हमने भी बहुत कोशिश की, बट इनिशियली बरास्ता ईरान और उसके बाद ज़ाहिर फ्लाइट्स भी थी, तो कोविड-19 पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ। अब ये नया वेरियंट जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होना, ज़ाहिर लोगों में तश्वीश पाई जाती है। ऐसे में सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, तनकीद की गई है वफाकी हुकूमत पर और सवाल ये उठाया गया है कि क्यों एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं की जा रही, और सवाल हमने कई बार उठाया भी कि वाकई ये दुरुस्त तनकीद है कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग क्यों नहीं की जाती। कासिम सुमरो साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध ज्वाइनिंग अस इन स्टूडियो, गुड मॉर्निंग सर। सर आपने ट्वीट की कल और आपने कहा कि वफाक को चीज़ें सीरियस लेनी चाहिए थी, वफाक को चाहिए था कि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग होती है, आप लोगों की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा, तो मैं पहला सवाल यही कर लेता हूं कि बाकायदा तौर पर लास्ट टाइम कब कहा गया सिंध हुकूमत की तरफ से वफाक को कि क्योंकि एयरपोर्ट्स आपके अंडर आते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनिंग का निज़ाम दोबारा से कीजिए, क्योंकि ख़तरा है कि ये नया वायरस आ जाएगा। असल बात यह है कि हमने स्टार्ट इन अ सेंस जब जैसे ये दुनिया में पूरी में डिस्क्लोज़ हुआ था इन अ वे कि पूरी दुनिया की जितनी ट्रेवल एडवाइजरी थी हर मुल्क में अपने अपने हिसाब से उन्होंने बैन करना शुरू किया, द मोमेंट वी गॉट दिस रिपोर्ट दैट देयर इज अ न्यू वेरिएंट जो आया है और वो बहुत वो इन अ सेंस अब उसकी कितना हैजर्डस है इस पर तो अभी डॉक्टर्स और वो बेहतर हाँ अभी तहकीक हो रही है, लेकिन ये इट इज़ मोर इन्फेक्शस इन ये मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहता हूँ इन ए वेरी आपके नाजरीन को भी और हम सब इस बारे में यकीनन कंसर्न है। इन्फेक्शस इन ए वे कि मिसाल के तौर पर गॉड फॉरबिड इफ समबडी इज़ इन्फेक्टेड इन अ रूम वेयर 10 पीपल आर सिटिंग, तो उसमें होता यह है कि अगर 10 नॉर्मल जो हमारा पहले वेरियंट था उसमें ये चांस था कि वो शायद उनमें से कोई बच जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन विद दिस न्यू वायरस ये देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ऑल 10 ऑफ देम विल बी इन्फेक्टेड, आई गेस 70% ज़्यादा इन्फेक्शस है तो दैट्स वे ये है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि हमने क्या एफर्ट ली, हमारी जैसे हमें ये इतलात हमें ऑफिशियली क्योंकि WHO इज़ अ रिकग्नाइज बॉडी जो पूरी दुनिया को ट्रेवल या बीमारियों के हवाले से आपको इतला देता है, तो हमने पहला ख़त उस वक्त NCOC को लिखा था हमारे मिनिस्टर साहिबा ने उसी वक्त कि जी वी शुड टेक इमीडिएट डिसीशन ऑन बैनिंग द फ्लाइट्स फ्रॉम UK, और उसको पहले तो बैन करना चाहिए, उसके बाद जो है वो जितने अफराद इस दौरान भी आए हैं, मिसाल अभी हद तक हमें पता नहीं था
ये जितने अफराद आए उन तमाम की हमने ट्रेसिंग करनी चाहिए ताकि हमें इस वेरिएंट के बारे में, जैसे आपने कहा कि जीनोम टाइपिंग के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि इस वायरस ये इनमें से कौन सा वेरिएंट है, तो हमने उस पर स्क्रीनिंग का, जैसे आपने कहा कि हमारी स्क्रीनिंग द डे इट बी डिक्लेयर्ड बाय एनसीओसी। अब चूँकि हम इस वक्त जो हैं वो एक एक सेटअप के अंदर हैं, सिंध गवर्नमेंट इज़ नॉट इंडिविजुअली डूइंग एनीथिंग, एनसीओसी हाँ एनसीओसी एक ऐसा इदारा है जिसको जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं और हमारी आर्म फोर्सेस के लोग भी हैं, हमारी मिनिस्ट्रियल लोग भी हैं, सिविल, और फिर उसकी रेगुलर मीटिंग ऑन डेली बेसिस पे होती हैं, उसमें हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स भी बैठते हैं, हमारे सीएम साहब भी बैठते हैं, फिर एनसीसी की मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उसमें भी सारे चीफ मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट सारे बैठते हैं, तो ये कंसेंसस डिसीशन होता है। और उस कंसेंसस डिसीशन हमें, आपने कहा कि जी चूँकि एयरपोर्ट के अंदर ये सारी फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाहर निकलना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब एयरपोर्ट के अंदर वी रिक्वेस्टेड के वी शुड स्क्रीन ईच एंड एवरी वन, उसके बाद जितने इन फ्लाइट्स में जितने अफराद आए उन तमाम के हमने टेस्ट लिए, वहाँ इंडोर अंदर जाके टेस्ट लिए हैं, देर आर लाइक मोर देन 289 पीपल उस दौरान जो आए हैं उन तमाम के। I'm sorry to interrupt, बैन फ्लाइट होने से पहले नहीं, पहले सिंपल स्क्रीनिंग क्या होती है, पहले ये है कि हम आके आप चेक करते हैं कि जो बंदा ट्रैवल करके आ रहा है जो भी पर्सन वो पर उसने अपने कंट्री में जहाँ से वो ट्रैवल एडवाइजरी आजकल है कि आप टेस्ट करवा के फिर आप फ्लाइट में बैठें, तो वो हम टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं और सिर्फ टेम्परेचर आप चेक करते हैं, नॉट दी PCR का आप बिल्कुल सही टेस्ट नहीं लेते, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन इस ये बैन होने के बाद हमने वहीं पर हर शख्स का PCR किया है, वी हैव कलेक्टेड द सैंपल्स, वी सेंट टू द एयरपोर्ट के अंदर ही। एयरपोर्ट के अंदर बैन होने के बाद अगर आप सैंपल्स ले रहे हैं तो वो कौन लोग आ रहे हैं, वो ट्रांजिट रूट से आ रहे हैं, वो कैसे आ गए फिर सर? देखें वो ट्रांजिट रूट से भी आ रहे हैं, कुछ हमने अलाउ किया है, वैसे दैट्स वेयर आई माय कंसर्न इज कि वी हैव अलाउड द पीपल एक्चुअली कि जिनको हमने अलाउ किया कि आप आ जाएं, यानी फ्लाइट्स बैन है लेकिन हमने अलाउ किया कुछ स्पेसिफिक लोगों के आप आ सकते हैं, बट एंड ट्रांजिट रूट इज ओपन टू, यस ऑफ कोर्स, तो वो वहां उन ट्रांजिट रूट से वो आ रहे हैं, तो जो आए हैं हमने उनके सैंपल सबके एवरीबॉडी। वेरी गुड सर, ये तो सिंध हुकूमत ने वाकई बड़ा सीरियस सोचा। हाँ, उस पर हमने पूरा किया। उसके बाद जैसे आपने कहा कि ये 12 अफराद नहीं थे, वो एक सैंपल थोड़ा सा क्या कहते हैं डुप्लीकेशन हुई थी, अच्छा, लेकिन टोटल 11 अफराद थे जिसमें से 6 पॉजिटिव आए थे। उन 6 में से हमने चूँकि हमारे टास्क फोर्स में आगा खान के जो इन्फेक्शस डिजीज़ के हेड हैं वो भी बैठते हैं, हम डॉक्टर बारी साहब भी बैठते हैं, तो वो तमाम एक्सपर्ट्स उनसे हमने ओपिनियन लिया एंड देन वी सेंड फॉर जीनोटाइपिंग के लिए, आप हमने वहाँ भेजा, तो उनमें से 3 जैसे आपने कहा 95% वही वेरियंट मैच करते हैं जो UK में है, एंड देन जो रिमेनिंग 3 हैं उसके रिजल्ट अवेटेड हैं। लेकिन उसके बाद अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज के जो अफराद यहाँ आए यहाँ रहे अपने आइसोलेशन में रहे या ना रहे, लेकिन हमने उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी थी, वो की आपने? वो हमने की, उसमें से हमने 89 जो हैं वो अफराद हमें पता चले, उनकी हमने ट्रेसिंग किए, उनके टेस्ट किए, उनमें भी सही से भी 10 अफराद जो हैं वो पॉजिटिव आए, उनमें भी यही वेरियंट है। अभी जीनोटाइपिंग होगी, लेकिन उनमें से 10 अफराद जो है ना वो पॉजिटिव हैं, रिमेनिंग जो है वो नेगेटिव है। लेकिन सर ये चांस तो है, क्योंकि अगर उस शख्स से वायरस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है फॉर एग्जांपल किया है तो दैट मींस कि वेरिएंट तो फिर वही होगा। नाउ इट डिपेंड्स, देखें आप ये भी नहीं पता कि वो उसके उनसे हुआ या पहले का था या पहले इन्फेक्टेड था, बिकॉज पॉपुलेशन में वायरस मौजूद है। ठीक, तो लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि ये वायरस खुदा ना खास्ता अगर हमारी सोसाइटी में स्प्रेड होता है, अभी तो हमारे जो है ना वो चूँकि ज़ाहिर UK से अफराद जो भी हैं उसमें मेजॉरिटी या UK सिटीज़न हैं या US सिटीज़न हैं या फिर जो हैं वो पाकिस्तानी भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये अगर खुदा ना खास्ता चला गया हमारी
कच्ची आबादियां हैं जहां पर यू नो इट्स वेरी थिक, अवेयरनेस नहीं है, ये उस चीज को सीरियस नहीं लेते एग्जैक्टली. दूसरा थिकली पॉपुलेशन, आप जहां रहते हैं मिसाल के तौर पर हमारी कराची के अंदर भी और कराची के अलावा सिंध के बाकी शहर, मिसाल हैदराबाद है, आपका मीरपुर खास है या खैरपुर, सखर, लरकाना, नवाबशाह, एनी वेयर, जहाँ जहाँ थोड़ी थिक पॉपुलेशन, लोगों के घर छोटे, एक कमरे में सारे अफराद रहते हैं. अब मिसाल के तौर पर मैं आई बिलोंग टू थरपारकर, तो अगर थर के अफराद घरों के अंदर चले गए वहाँ तो एक ही चमरा है जिसमें सारे अफराद रहते हैं. सो यू नो दैट्स बड़ा चैलेंज हो जाएगा. हाँ, बड़ा चैलेंज हो जाएगा. अगर फिर देखें, अब इसके बारे में अभी तो नहीं पता कि ये कितना हैजर्डस है, कितना डेंजरस है, इन अ वे कितना लीथल हो सकता है. क्योंकि सर इसमें आई एम सॉरी बट दो बड़े अहम सवाल हैं. एक, लोग ये कंसर्न शो करते हैं कि जिनको पहले कोविड 19 हुआ, क्या ये जो नया स्ट्रेन है ये उनको इफेक्ट तो नहीं कर देगा. और दूसरा एक अहम कंसर्न लोगों का ये कि जितना काम वैक्सीन पर हो रहा है, ये ना हो कि वैक्सीन इस पर कारआमद ना हो, तो लोग इसलिए भी ज़्यादा परेशान हैं. हाँ, वो ऑफकोर्स. लेकिन इसमें भी देखें, आपने जो डॉक्टर दुनिया के है, जो जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फाउची से लेकर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड यूएसए को करते हैं CDC, उन तमाम का ये ख्याल है कि देखें जो टेक्नोलॉजी जिससे वैक्सीन्स बनाई गई हैं वो उन्हीं डेड वायरस से या उनके स्पाइक से ली गई हैं. सो वी डोंट नो कि इस वायरस ने क्या चेंज किया है, क्या म्यूटेशन की उसकी किस लेवल की है कि वो उस वैक्सीन असर निकल. सो फार दे बिलीव के वैक्सीन विल राइट. अभी वो ये समझ रहे हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है और तमाम वायरस. तमाम इस वैक्सीन के हवाले से अभी तक जो तहकीक सामने है वो यही है कि इंसानी दिमाग को ये बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है. देख, कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में तो बिल्कुल सही, आप कुछ भी नहीं कह सकते. लेकिन दैट्स द ओनली सोल्यूशन. देखें, आपके पास इस वक्त एक तो वो सोल्यूशन है जो अभी हमारे मुल्क, हमारे हम जैसे गरीब मुल्क जितने भी हैं वहाँ नहीं पहुँचा है. और उसमें ऑफकोर्स इट टेक अ टाइम, क्योंकि जितने बड़े रिच कंट्रीज हैं उन्होंने तो मतलब आप अमेरिका ने जो है ना अपनी जो इतनी पॉपुलेशन है उससे कैनेडा ने इस तरह से किया. वो दुनिया के वो ममालिक जो रिच हैं वो फिर यू नो इस वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं. तो है ना कि फेब का लास्ट या मार्च का स्टार्ट है. हाँ, ऑफ कोर्स. हमने सर मुझे इससे मुतालिक बताएं कि विफाक तो काम कर रहे हैं इससे मुतालिक ऑर्गेनाइजेशन से राबते में कि वैक्सीन जल्दी से प्रोक्योर करें. क्या सिंध हुकूमत खुद से भी कोशिश कर रही है? नहीं, हम ये कर नहीं सकते. नहीं कर सकते. हम एक चूंकि उस फेडरेशन के ठीक है तो वो विफाक नहीं करना. लेकिन हमसे जो एज ए WHO रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने जो एज ए इंडिविजुअल जैसे हमें बताते हैं उसमें उन्होंने चूंकि ये काम अगर जैसे EPI इम्यूनाइजेशन का जितना काम है वो आपका सारे ग्लोबल फंड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है और फिर हर प्रोविंस में जाता है. पोलियो का भी इसी तरह से होता है. तो ये भी इन वे सेम प्रोसेस होगा. वो जो हमारा EOC डिपार्टमेंट, EOC फेडरल गवर्नमेंट, फिर वो EOC यहाँ पर, फिर हमसे ये कोऑर्डिनेशन की गई है कि आप हमें जो है ना वो फैसिलिटीज सारी बताएं कि कहाँ कहाँ पर. मिसाल के तौर पर जैसे फाइजर और मॉडर्ना की अगर वैक्सीन आती है तो उसमें हमें बड़ी कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी. सो दैट्स वेयर हमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करनी है. और वो जो एक जो आपकी जो वैक्सीन है ना, जितनी भी दुनिया में और वैक्सीन है उसका एक मतलब कंसोर्शियम काइंड ऑफ यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कोवैक्स के नाम से. बिल्कुल. तो वो हमें जो है वो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है, बट दैट प्रॉमिस इज इन अगस्त और सितंबर. अच्छा. वेयर दे विल प्रोवाइड अस 40 मिलियन काइंड ऑफ वैक्सीन डोज. मार्च वाली कहानी नहीं है. मार्च तो हम खुद बाय कर रहे हैं. अच्छा, खुद बाय कर रहे हैं. लेकिन वो हमें अगस्त या सितंबर में. हाँ, वो हमें. लेकिन इस दौरान ये भी हो सकता है मिसाल के तौर पर जो हमारी चाइनीज वैक्सीन जो यहाँ पर ट्रायल जिसके हो रहे हैं तो वो हो सकता है हमें अवेलेबल हो जाए. दैट इज़ मोर चीपर. वो चूंकि उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर का भी इशू नहीं है. आज मैंने सुबह कल शाम को AstraZeneca का जो ऑक्सफोर्ड या उस पर भी आई बिलीव के ब्रिटेन शायद उस पर NIH उसको जो है वो सर्टिफाइड कर दे फॉर यू नो वो भी शायद लगना शुरू हो जाए. तो वो अगेन दैट इज आल्सो जितनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी, जितनी ज़्यादा वैक्सीन आएंगी उतनी अवेलेबिलिटी का इशू भी सॉर्ट आउट होता है. लेकिन सर ये आप मैं आपके थ्रू
अपने तमाम जितने आपके नाजरीन हैं, हमारे दोस्त हैं, जितने भी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखें वैक्सीन तो आएगी। इस वक्त आपका वैक्सीन मास्क है, इस वक्त आपका वैक्सीन जो है ना वो आपके हाथ धोना या हाथ को सैनिटाइज करना है, इस वक्त आपका वैक्सीन जो है ना वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। लेकिन आप, लेकिन ये मैं कहता हूँ सोशल डिस्टेंस ना रखें, क्योंकि सोशली इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा वो, ये तो आप कवर कर रहे हैं जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही हैं, जाहिर है वो तो करना जरूरी है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर्स अपने बिहाफ पे वैक्सीन खरीद सकते हैं, अभी तक हमने सिंध में ऐसी कोई एग्जाम्पल देखी है कि कोई प्राइवेट सेक्टर अपने बिहाफ पे? देखिए मैं उसके बारे में किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन यस यू नो इन इनफॉर्मल वे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये डिस्कस हमसे ज़रूर किया है कि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस चल रही है, नेगोशिएशंस हैं हमारी, लेकिन देखें इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक सर्टेन लिमिटेशन होगी ना, वो कितना वाइल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कितनी उनके पास, अब सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, एक फार्मूला तो नहीं है, फिर उसकी पैकिंग, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी जो है ना वो कोल्ड चेन मेंटेन करना, सो इट्स अ बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। सर आई एम सॉरी बट एक सवाल और, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन की जो हम B.1.1.7 से मुतालिक आज बात कर रहे थे, क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि, क्योंकि ज़ाहिर है सर लोगों का आना, उनका सैंपल लेना, टेस्ट होना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना, जीनोटाइपिंग होना, इसमें काफ़ी वक्त लगा होगा, व्हाट डज दैट मीन? ये जो वायरस आया है ये एक हफ्ते पहले आया है, दो हफ्ते पहले आया है, तीन हफ्ते पहले आया, कब आया पाकिस्तान? लेकिन ये जो जितने आपके हमने जितने ट्रैक हुए हैं, जितने अफराद, ये तो इसी दौरान आए, आफ्टर 22nd आए, राइट? ठीक, सो वी डोंट नो। मिसाल मैं आपको ये अर्ज करूँ कि कल परसों, कल इनफैक्ट जर्मनी ने डिक्लेयर किया है कि देर आर फ्यू इवन पीपल वुमन, ए वुमन डाइड इन नवंबर, अब उसके अभी जो है उन्होंने उसके सैंपल जीनोटाइपिंग किया तो दे फाउंड आउट दैट द सेम वेरिएंट देयर ओके ऑफ यूके। सो यू नो एक ये इस तरह के तो हमें पता नहीं चलता, वायरसेस जितने भी होते हैं दुनिया में इन्फ्लुएंजा से लेकर आज तक कीप ऑन यू नो चेंजिंग, बिल्कुल ऐसे वो पॉपुलेशन ट्रैवल करते हैं, म्यूटेट होते हैं, तो इससे मुताल्लिक यानी हम ये कह सकते हैं सर कि जीनोटाइपिंग होगी तो मालूम होगा कि कौन सा वेरिएंट है, अब हमने जीनोटाइपिंग की है, हमें नहीं मालूम कि इससे पहले वायरस यहाँ पर मौजूद था या नहीं था, बट अब क्योंकि जीनोटाइपिंग हुई है तो अब तो कंफर्म है कि ये वायरस यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुताल्लिक हमसे सीखते हैं। बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि वैक्सीन पर तो काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त वैक्सीन क्या है, वो जो मास्क है और जो हाथ बार बार धोने हैं वही है, उसके अलावा फिलहाल कोई हल नहीं है, हल नहीं है, और इसीलिए हम आपको रोजाना कहते हैं कि सामाजिक फासला। जी जी प्लीज, एक और बात आई वांट टू टेल कि नंबर वन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फ्लू, ये इस पे कोई ये कह रहे कि जी कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ये डेडली चीज़ है, ये खुदा ना खास्ता किसी की अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो उसको बहुत, ये कोई शख्स कहना है कि जी मैं तो मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगेन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, आई हैव लॉस्ट, मैंने अपनी फैमिली में एक इसकी कैजुअलिटी उठाई है ड्यू टू कोविड, लेकिन मैं ये सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि लोग इसको सीरियस लें, मास्क पे इत्तेहादी सीरियस नहीं लेते नहीं, इस वक्त हम पॉलिटिक्स हम इसको पॉलिटिकल नहीं लेते, लेकिन हम सुनेंगे सर जब इत्तेहादी नहीं सुनते, हम ये कहते हैं कि जो लोगों को इस बीमारी या पेंडेमिक के ऊपर डॉक्टर्स को सुनना चाहिए, साइंस को सुनना चाहिए, नॉट के आप ये थीरीज बनाते रहें कि ये कोई मिक्स मैसेज नहीं है, ठीक, देयर शुडंट बी एनी मिक्स मैसेज फ्रॉम अस टू फॉर एवरीवन, कि देयर इज नो मिक्स मैसेज, मैसेज ये है कि भाई आप मास्क पहने, हाथ धोते रहें, इसको जो है ना वो सैनिटाइज करते रहें, और आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, अभी ये आपके न्यू नॉर्मल है टिल पाकिस्तान में अगर हम स्टैट्स आपके सामने रखें तो कोरोना से मजीद 55 अफराद इंतकाल कर गए हैं लास्ट 24 आवर्स के दौरान, 2055 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, कोरोना से जांबाग अफराद की तादाद 10,047 हो चुकी है, एक्टिव केसेस की तादाद 37,080 हो गई है, और ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, और जैसे से हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो बार बार हम ये बात करते हैं कि ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है, कोरोना से मजीद 55 अफराद जो हैं वो 24 घंटे के दौरान मौत के मुँह में गए हैं,
और जनाब 24 घंटे के दौरान 2155 केसेस ऐसे हैं जो कि नए रिपोर्ट भी हुए हैं। और अगर हम कुल तादाद बात करें जो लोग जांबहक हो गए हैं उनकी 1,01,047 तादाद है और एक्टिव केसेस की तादाद जो है 37,080 हो गई है। तो पाकिस्तानियों से बार बार यही कहा जाता है अपने मुल्क के शहरियों से कि आपका ये कौमी फ़र्ज है कि आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि आप जब अपने आप की हिफाजत करेंगे, केयर करेंगे, तो आपके साथ ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, आपके प्यारे हैं, जिनकी आप हिफाजत कर रहे होते हैं, जिनकी आप केयर कर रहे होते हैं। और जब बात है केयर करने की तो केयर कौन कर रहा है, स्पेशली इन 2020 केयर सबसे ज़्यादा की है तो नर्सिंग स्टाफ ने की है। लंबी लंबी शिफ्ट्स की हैं, लंबी लंबी ड्यूटीज़ की हैं और उसके साथ उस ख़तरे को लेकर घर वापस भी गया है ये स्टाफ। हम बात कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ की, तो क्यों आज बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इस हवाले से एजाज़ मिला है। दुनिया की 100 मुमताज़ नर्सेज की फहरिस्त में 8 ऐसे नर्सेज हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान खासकर मुश्किल वक्त में सेहत के मैदान में खिदमात अंजाम देने वाली ख्वातीन को इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल, और जब हम नर्सेस की बात करते हैं तो यकीनन ये भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है कि ये वो 8 नर्सेस जिन्होंने अपने घर को पीछे रखा, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उस खतरे में सबसे आगे हमें फ्रंट फुट पर नजर आई। और बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ ऐसे जिनमें से भी बहुत सारे लोग इस कोविड का शिकार भी नजर आए। True. और फिर जो लोगों का रवैया उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि ये इस तरह के हालात है कि हर कोई ना जिद चुआ हुआ था, मेंटली डिप्रेस हमें नजर आ रहा था। और ये वो स्टाफ, ये वो तबका जिन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त करने के बाद अपने होंठों पे, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी। इन 8 नर्सेज में से आज 2 हमारे साथ मौजूद है, मरीना बेग और साइमा सचवानी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट। जनाब ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के स्टाफ के लिए, या वो लोग जो कि नर्सिंग स्टाफ से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले तो बताएं महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक इस एजाज़ की बात है सो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए मेनली, क्योंकि ये वुमेन जो सारी जो नर्सिंग प्रोफेशन में जो कि औरतें हैं, सो औरतों के लिए बहुत बड़ी बात है और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ा। और ये सिर्फ हम 8 नहीं हैं, हमारे साथ जो दूसरी नर्सेज हैं जो भी ऑलवेज अ टीम वर्क, यस, तो जो दूसरी नर्सेज हैं आई मीन एक लाख से ज़्यादा जो नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हैं जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, तो ये उन सब के लिए एक एजाज़ है। ग्रेट, सो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और सब नर्सेज एंड मिडवाइफ्स जो भी पाकिस्तान में है सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हम फ्रंट फेस हैं मगर हमारे साथ वो सब इस के हकदार हैं। बेशक मरीना, आपको मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने पर अवार्ड मिला, थोड़ा सा मुझे बताएं कि मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूजेज 2020 में क्या रहा? देखिए वैसे तो मोबाइल हेल्थ साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल में भी साइंस का जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो रहा है। जो मेरा जो अवार्ड था जो मोबाइल टेक्नोलॉजी वो था मेनली, जैसे मैं मिडविफरी मिडवाइफ हूँ उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे अपना किरदार अदा कर सकता है। सो उसमें जैसे हमारे मुल्क में माँ और बच्चे की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है और उसकी एक वजह ये है कि हमल के दौरान जो माएँ हैं जो कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में हैं वो अपना चेकअप नहीं कराती हैं, उनको हेल्थ केयर तक एक्सेस नहीं है। सो इसके लिए इसको बेहतर बनाने के लिए जो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं सो उनको जो है वो मोबाइल बिल्कुल बेसिक मोबाइल पे किस तरह से उन औरतों को रजिस्टर करना है जो कि कम्युनिटी में अपने घरों में हैं और जो हामला हैं, सो उनको रजिस्टर करके और उनकी इंफॉर्मेशन किस तरह से एक स्किल्ड कम्युनिटी मिडवाइफ के पास जाती है और वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं और उस औरत को जब भी उसका चेकअप का टाइम है उनको रिमाइंडर्स देना, उनको वहाँ पे भेजना कि उनको चेकअप के लिए जाना है ताकि टाइमली अगर कोई मसला है, कोई पेचीदगी है तो वो आइडेंटिफाई हो और उस पहले यस ठीक। और साइमा आप भी अपने काम से मुतालिक बताएं, यकीनन आपके भी काम को बहुत सराहा गया। जिस कैटेगरी के अंदर मुझे नॉमिनेट किया गया था वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, क्योंकि हम नर्स एजुकेशन की डिपार्टमेंट से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो मेन काम ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसके अंदर
हम नर्सेस को फ्रंट लाइन वर्क प्लेस के लिए रेडी कर रहे होते हैं. तो जैसे कि ज़माना तब्दील हो रहा है, एजुकेशन को बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. तो ऐसे ही सिमुलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भर में आइडियल हेल्थ केयर सिस्टम और हॉस्पिटल सेटिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है. इसी तरीके से कम्युनिटी के अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं कि आप रियल कम्युनिटी का एक्सपोजर 4 साल के प्रोग्राम में या 2 साल पोस्ट आर्डन के प्रोग्राम में नहीं दे पाते नहीं. तो उस सूरत के अंदर सिमुलेशन आज की दुनिया के अंदर एक माना हुआ तहकीक से प्रूफ करदा तरीका है, जिसके अंदर आप नेक्स्ट टू रियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट के अंदर वो स्किल्स कॉम्पिटेंसी एक जो नर्स के अंदर होनी चाहिए जब वो अपने काम में शुरू करती है अपने काम को, तो वो तजर्बा उसको हासिल हो जाए. तो जो मेरी टीम ने और हमने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी नर्सिंग एजुकेशन के अंदर सिमुलेशन की टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया और हमने सिमाबाद के नाम से एक लोकल कम्युनिटी जो है उसके साथ जो हमने खुद ही ने इसको तख्लीक किया. आगा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग का कोलैबोरेशन है, जो हमारे पास CIME एक डिपार्टमेंट है जो इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन पर काम करता है. रिसेंटली ही कुछ साल पहले वो डिपार्टमेंट आगा यूनिवर्सिटी में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ. उनके तावुन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फिज़िकली हमने वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया और वो एक्सपोजर जो वो कम्युनिटी में जाकर करते हैं तो वो हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया. उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमारे जो स्टूडेंट्स थे रियल कम्युनिटी सेटअप के अंदर गए तो उनके लिए इजी हो गया, बहुत इजी हो गया, ट्रेन हो गए और उनका जो लेवल ऑफ लर्निंग थी वो एवरेज से तो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया. तो ये चीज़ है. तो हॉस्पिटल केयर के अंदर भी सिमुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो रही है. नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जैसे पायलट है आप उसको रोज़ जहाज़ में तो नहीं बिठाते ना, मगर सिम्युलेटर पे ही बैठता है. तो नर्स के हाथ में या मेडिकल फील्ड के अंदर लोगों के हाथ में इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं तो सिम्युलेशन आज की दुनिया के अंदर एक बहुत ही वायबल सॉल्यूशन है. तो पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी आग खान की तरफ से किया गया. बिल्कुल, आग खान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी. और अगर इस साल की बात करें, जैसे कोविड की वजह से जो है ये इनोवेशंस जो हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है, सो उसमें ये मोबाइल हेल्थ की टेक्नोलॉजी और सिम्युलेशन, ये सारी चीज़ें अब बहुत काम आ रही हैं कि हम जो है वो सिम्युलेशन के ज़रिए और मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से केयर को बेहतर बना सकते हैं और वो मायारी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये हमने स्पेशली देखा है इन 2020, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, के क्योंकि जिस जिसको COVID-19 हुआ वो सब हॉस्पिटलाइज नहीं थे, बहुत से लोग घरों में आइसोलेशन में थे और बहुत से लोग परेशान थे कि करना क्या है. तो डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने उनको बहुत सपोर्ट किया है कि कब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी, अच्छा आप ये मेडिसिन छोड़ देनी, अच्छा आपको ये सिम्टम है तो आप ये कर लें, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं. तो डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ा सपोर्ट किया है. अच्छा, जब भी मैं नर्सिंग स्टाफ से, मिडवाइफ से या पैरामेडिकल स्टाफ से बात करूँ तो मैं ज़रूर ये पूछता हूँ कि इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन एक चैलेंज होता है आप लोगों का जो बहुत बड़ा होता है, वो होता है अटेंडेंट का रवैया. तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ मरीना, इफ़ यू कैन शेयर समथिंग कि अच्छा वो फलाना एक वाकया था जिसकी, जिसने आपको बड़ा परेशान, बड़ा अपसेट किया, बट आपने अच्छा हौसला रखा, हालांकि उस वक्त आपको लगा कि मुझे तो छोड़ देना चाहिए ये प्रोफेशन कि वो इतना बुरा एटीट्यूड आपको फेस करना पड़ा, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि लोग भी समझ पाएँ कि हम जो अपने नर्व्स पर काबू नहीं रखते और अपना गुस्सा निकाल देते हैं उस पर जो केयर करता है. हमेशा ऐसा होता है कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, हाँ, और मतलब इस चीज को बर्दाश्त करना, वैसे तो दिल करता है कि लगाए पड़गान के नीचे, लेकिन आप लोग कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं? एक्चुअली हमारी नर्सिंग एजुकेशन के अंदर खास तौर पर ये करिकुलम का पार्ट होता है ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि हमें साइकोलॉजी को भी समझना है और जिसका कोई भी फैमिली रिलेटिव उस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में है, खुदा ना खासा इसकी जान को खतरा है, बहुत अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही, एक छोटी सी चीज़ जो है वो जो शायद नर्सिंग स्टाफ के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए रूटीन की बात हो मगर उनके लिए बहुत ही कीमती लम्हे होते हैं. तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि उस सिचुएशन को कैसे आपने जो है वो डील करना है और उसको मज़ीद एग्जेजरेट नहीं होने देना है. कम्युनिकेशन स्किल्स नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हमारे करिकुलम में पहले दिन से आखिरी दिन तक और जब तक वो जॉब पे रहते हैं इसको बार बार एम्फसिस किया जाता है कि आप बेहतर कंडीशन में हैं और जो फैमिली है वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रही होती है, तो आप कैसे उस सिचुएशन को डील करें. बहुत दफ़ा पे ये मुश्किल सिचुएशंस आ रही होती है. सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन कब आई?
ये जैसे कि मेरा तजर्बा ज़्यादातर कम्युनिटी के एरिया के अंदर है, तो वहाँ पर ये होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब हम कहीं पर भी एंटर होते हैं कम्युनिटी के अंदर, किसी कच्ची आबादी को ले लें, किसी इलाके में चले जाएं, तो हम तो उनके लिए अजनबी भी हो जाते हैं, आउटसाइडर भी हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इनका मकसद क्या है, इस मालूमात को पता नहीं वो कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे. वेरी ट्रू. तो क्या ये पॉलिटिकल को इसके पीछे एजेंडा है? सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. और हम जब खुद हैं तो हमने बहुत यंग एज में ये प्रोफेशन में कदम रखा, और जब हम नर्सिंग के टीचर्स या एजुकेटर्स बने तो वो भी हमारी उम्र काफ़ी कम थी. अब जिन बच्चियों को और बच्चों को हम लेकर जाते हैं वो तो माशाल्लाह से काफ़ी यंग, यूनिवर्सिटी में एंट्री लेवल के जो आप समझ लें जो ग्रुप होता है, तो उनको समझा कर उनको ट्रेन कर कर लेके जाना, और फिर कम्युनिटी के अंदर गेट कीपर्स जिनके थ्रू हम आराम से दाखिल हो जाएं, वो बड़ा एक ज़रूरी स्किल होता है जो हम सिखाते हैं. तो उस सब के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि लोग नाराज़ हुए हों, वो ना चाहते हुए हों, तो खुदा ना खास्ता हमारी जैसी कुछ नर्सेज के ऊपर पत्थर वगैरह भी ऐसा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. तो इतना शदीद किस्म का मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं आया, लेकिन मेरे कॉलीग्स के साथ ऐसा हो चुका है. बिल्कुल. तो वो सेफ्टी के वक्त फिर हमें ये होता है कि नहीं, हमें बच्चों को हिफाजत के साथ नर्सेज जो हैं उनको लेके जाना है, और ये भी उसको डील करना है. एंड मरीना, आप अगर शेयर करना चाहें. सो बेसिकली जैसे साइमन ने बताया कि इस तरह की सिचुएशन आती है, और पर्सनली मैंने कभी नहीं इसको फेस किया, लेकिन मैंने देखा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादातर इस तरह की सिचुएशन, बिकॉज की जो स्ट्रेसफुल उस वक्त का माहौल होता है वहाँ पे फैमिली के लिए जो अपने मरीज को वहाँ पे लेके आया जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो वो अक्सर वायलेंट हो जाते हैं, और कभी जो है वो इतने ज़्यादा भी हो जाते हैं कि वो फिज़िकल वायलेंस तक भी बात चली जाती है. सो उस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक नर्स या एक मेडिकल स्टाफ के लिए ज़रूरी है कि उनको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिफेंसिव नहीं होना है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या सिचुएशन है. तो ये सारी चीज़ें जैसे साइमा ने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स में इंकल्केट कर रहे हैं, कि उनको सिखा रहे हैं कि उनको सिंपैथी किस तरह से एम्पैथाइज करना है सिचुएशन को, कि सामने वाला अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपकी भी यही कि आपका कोई लव वन अगर इस सिचुएशन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको उनको काम डाउन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब जहां आप डिफेंसिव होते हैं तो वहां पे और सिचुएशन रिएक्शन ज़्यादा आता है, रिएक्शन ज़्यादा आता है सामने से. तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही है कि आप अपने आप को काम रखें और वही आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है. बस एक जुमले में मैं आपसे पूछना ये भी चाहूँगा कि आपके आपकी एफ़र्ट्स को जिस तरह माजी में अंडरमाइन किया गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है. अब इसमें भी अगर हम देखें कि लिस्ट में 8 नर्स एंड मिडवाइफ्स का नाम आना, आपको क्या लगता है नए आने वाले लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन है अब? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन इतना उभर के आ रहा है सामने. सो पहले जिस तरह बताया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सराहा नहीं जाता था, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, और नर्सेज और मिडवाइफरी के जो मिडवाइफ्स का जो प्रोफेशन है उसको अब लोग समझ रहे हैं, और नौजवान जो हैं वो इसमें आ रहे हैं और विद चॉइस आ रहे हैं. पहले तो ये होता था विद चॉइस आ रहे हैं, विद चॉइस आ रहे हैं. दिस इज वेरी एनकरेजिंग. आई मीन आना चाहिए, और भी हम एनकरेज करते हैं कि आए, बिकॉज यूजुअली होता ये है कि जैसे डॉक्टर बनना है, एक ये होता है ना शुरू से कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या उनकी खुद की ख्वाहिश होती है हम डॉक्टर बनेंगे. इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है. हाँ, लेकिन अब कुछ जो हैं वो बच्चे जो हैं वो इसी तरह से सोच के आते हैं कि हमें नर्स बनना है. सो ये एक बहुत बड़ी बात है, और बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अब इंटरनेशनली इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, नर्सिंग का प्रोफेशन इस लेवल तक को नाम सामने आया है, और काम जो कर रहे हैं नर्सेज तो वो सिर्फ बेड साइड नर्सिंग की हद तक नहीं है. अब नर्सिंग के शोबे में भी अगर हम देखें तो एडवांस प्रैक्टिशनर्स आ गई हैं, और एडवांस प्रैक्टिशनर जो नर्सेज हैं उसका रोल APN रोल अब बहुत ज़्यादा है, और इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स रन करना. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आफान यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली ही जो है वो लैक्टेशन क्लिनिक लेड बाय अ नर्स ये स्टार्ट किया है. सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और माइलस्टोन है यूनिवर्सिटी लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, और ये इन कोलैबोरेशन विद हम हॉस्पिटल के साथ ही सब करते हैं. तो नर्स लेड क्लिनिक्स स्टार्ट हो रही हैं, मिडवाइफ लेड क्लिनिक्स के लिए हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में. शोज के हम अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत बेहतर कर रहे हैं विद नर्सेज एंड मिडवाइफ्स. थैंक यू सो वेरी मच मरीना, थैंक यू सो वेरी मच साइमा, आप दोनों साथ मौजूद थी आपसे बात करके, और इनके अलावा भी 6 हैं आज, वो हमारे साथ नहीं थी, बट आप सबको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद, बल्कि तमाम नर्सेज एंड मिडवाइफ्स को, बिकॉज जाहिर है आप सब ने मिलकर ये एजाज़ इनको दिलवाया. चलिए जी, बढ़ते हैं आगे. दुनिया भर में पाकिस्तानी फ्रंट लाइन पर कोविड से लड़ रहे हैं, और ऐसे ही एक डॉक्टर इमरान शरीफ अमेरिका में मुकीम है, वहीं पर इन्होंने प्रैक्टिस की है, वहीं पर कोविड 19 के वार्ड्स में ज़ाहिर पेशेंट्स को देखते रहे, डील किया.
कोविड से मुतासर जो अफराद थे उनका इलाज किया। और अब चूँकि वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है और सबसे पहले वैक्सीनेशन डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है, तो इनकी भी वैक्सीनेशन हुई है। ही इज ज्वाइनिंग अस टुडे फ्रॉम अमेरिका। सर गुड मॉर्निंग, यहाँ के हवाले से वहाँ तो डेफिनेटली गुड मॉर्निंग नहीं है, बट कैसे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। यहाँ अमेरिका में लॉस एंजलिस में इस वक्त ऑलमोस्ट 9 o'clock और आपके यहाँ मेरे ख्याल सुबह 10 a.m. Exactly, exactly. सर मुझे प्लीज सबसे पहले बताएं, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये वो ममालिक हैं जिनसे मुतालिक हम पहले ये समझते थे कि अगर कोई आफत आएगी तो ये आराम से उसे संभाल लेंगे, इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, इनका हेल्थ सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाई COVID-19 ने। सर इस वक्त जबकि कुछ ममालिक में वेव 3 भी है, तो मुझे अमेरिकन सिचुएशन प्लीज़ बताएं कि अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वेव्स गुजरने के बाद कितना संभल पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, कितना बेहतर सिस्टम कर पाए हैं? जी, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट की। वेस्टर्न सबका यही ख्याल था कि हम कोविड की जो वॉर है वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। US में इस वक्त तकरीबन 20 million केसेस हो चुके हैं, और जब ये पहली वेव आई थी तो उस वक्त हम समझ रहे थे कि प्रॉबेबली जून जुलाई अगस्त तक ये ख़त्म हो जाएगा और वैक्सीन अगर आ जाएगा तो हम इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो सेकेंड वेव आई है उसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों हो रही है सारी चीज़ें। तो सेकेंड वेव जो है वो एक तो विंटर यहाँ पर आ गया है, विंटर की वजह से जो वायरसेस हैं वो काफ़ी ईजिली ग्रो करते हैं। दूसरा, जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए, जिसकी वजह से वायरस तेज़ी से स्प्रेड किया है। जो मैं यूजुअली सोशल मीडिया में ब्लॉग लिखता हूँ कोविड के बारे में, पिछले 9 से 12 महीने से लिख रहा हूँ, तो इनिशियली जो केसेस थे, द हाईएस्ट केसेस एक दिन में 24 आवर्स में 75,000 थे, लेकिन अब 200,000 एवरेज केसेस चल रहे हैं। और आपको खाली मैं एग्जांपल देता हूँ कैलिफोर्निया का, जहाँ मैं लोकेटेड हूँ लॉस एंजलिस में मोर देन 2 million केसेस हैं, और यहाँ पर बहुत हॉस्पिटल हैं, मीन्स हर कुछ मील पे एक हॉस्पिटल है, और यूजुअली जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो 200 से 500 के नौयत के होते हैं। और आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंटेंसिव केयर यूनिट में एक्चुअली किस तरह से हम इनको मैनेज कर रहे हैं। यूजुअली 25 से 30 बेड का ICU का एक वार्ड होता है। अच्छा। तो हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और हमने तमाम वार्ड्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, और पेशेंट्स इतने हो गए हैं कोविड के जो नॉर्मल पेशेंट्स होते थे वो अब नज़र नहीं आते। okay. अब सिर्फ और सिर्फ कोविड के ही पेशेंट नज़र आ रहे हैं, यानी इतना तेज़ी से ये चीज़ स्प्रेड कर गई है। तो दिस ये बहुत परेशान कन बात है, और इसकी वजह यही है कि प्रिकॉशन नहीं लिए, पॉलिटिकल इश्यूज थे कि एक पार्टी कहती थी कि आप प्रिकॉशंस लें, दूसरी पार्टी कहती थी कि आप प्रिकॉशंस लें। हैपनिंग इन पाकिस्तान सर, यहाँ पर भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कहते हैं कि इसको सीरियस लें, और कुछ कहते हैं वायरस कुछ होता नहीं है, इसीलिए सर तनकीद उन पर होती है। सर मुझे एक बात और बताएं कि COVID-19 आने के बाद जिस तरह कहा गया कि बच्चे मुतासर नहीं होते, क्या सिचुएशन अमेरिका में अब भी ऐसी है? इसके साथ सर री इन्फेक्शन के कितने केसेस आपने वहां पर देखे, और क्या सिचुएशन ऐसी है कि जिनको COVID-19 हुआ फिर वो रिकवर हुए, उसके बाद उन्हें कोई और मरज लाहक हुआ, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई? सर ये 3 छोटे छोटे से सवाल। जी बिल्कुल, जो बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त भी केसेस कम है, लेकिन काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एडल्ट के मुकाबले में केसेस स्टिल कम है, मिलियन से कम केसेस हैं अपने बच्चों में। और जहाँ तक आपने कहा कि अगर आपको एक दफ़ा इन्फेक्शन हुई है तो दोबारा हो सकती है, तो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि दोबारा उनको इन्फेक्शन हुई है। और जहाँ तक COVID-19 इन्फेक्शन के बाद आपका इम्यून फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आप प्रोन हो जाते हैं किसी और डिजीज को, तो वो चीज अब तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल नई डिजीज है
जो कि हम 9 महीने से हम इस डिजीज को जानते हैं. यूजुअली मेडिसिन में हमें चीजें लर्न करने के लिए डेकेड्स चाहिए होते हैं. जैसे वैक्सीन अभी हमारे पास बिल्कुल जैसे वैक्सीन अभी बनी है वो यूजुअली 10 से 20 साल लगते हैं और ये इस वक्त हमने 9 महीने में वैक्सीन बनाई है. सर मैं वैक्सीन से मुताल्लिक ही पूछना चाह रही थी आपसे, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, कितने दिन पहले ये आपने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको खुद में कोई तब्दीली महसूस हुई? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये सवाल का जवाब जो है ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा. तो वैक्सीन जब लगवाई है तो हमारा जो इंस्टीट्यूट था उसमें आई वाज द फर्स्ट वन जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम द रोल मॉडल कि लोगों को नजर आए कि भाई हम जो इनको पेशेंट को डील कर रहे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वार्ड्स में तो आई एम द फर्स्ट वन टू गेट द वैक्सीन. तो वैक्सीन लगवाने के बाद जो है मैंने फजर प्रेयर पढ़ी, उसके बाद अपने हॉस्टल वगैरह में राउंड किए, कुछ मीटिंग्स अटेंड की और नॉर्मल डे जो है वो फुल ऑफ एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ. उसके बाद दिन के एंड में आई प्ले टेनिस, तो मैंने 2 सेट टेनिस के खेले और फॉर्चुनेटली आई वन. वायरस वैक्सीन ने ताकत दे दी. बिल्कुल बिल्कुल जी, आप मुझे नहीं पता कि वैक्सीन की वजह से था ये कि ये प्लेसिबो इफेक्ट था. तो उसके बाद जब इन द इवनिंग टाइम फिर मुझे बॉडी वीकनेस शुरू हो गई, फिर मुझे फीवर शुरू हो गया. तो उसके बाद फिर आई फेल्ट मैं बिल्कुल डाउन होता चला गया. तो आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइलनॉल वगैरह खाया, वेंट टू स्लीप. तो एट नाइट सारी रात मुझे ऑन एंड ऑफ मैं सोता उठता रहा और उसके अलावा फीवर चलता रहा, लेकिन मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज प्रीटी हेल्दी 100% कैपेसिटी और वेरी प्रोडक्टिव. और लास्ट 2 वीक्स से जब से मैंने वैक्सीन लगाई आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल. ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है लेकिन आप जो बा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है. डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका. अभी क्या करें, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जी. वेलकम बैक. तालीम हासिल करो खा चीन जाना पड़े और अगर मौका मिले हंगरी का तो वहां भी जरूर जाना चाहिए. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, हंगरी की स्कॉलरशिप्स आई हैं. बस आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं तो आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम शामिल है. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट की उम्र 18 से 22 साल होना लाजमी है. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 35 साल है. जबकि इसके साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस की हैं. आज इसी से मुतालिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया HEC के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एडवाइज़र हसन जलील शाह साहब ने. सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का. सर ये बड़ी अच्छी खबर होती है जब भी किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई माहिदा हो या वहाँ की स्कॉलरशिप्स आए और उसमें प्रायोरिटी हो पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जाएंगे. एक तो तालीम ज़ाहिर है मयारी, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना उसका एक्सपोजर अलग होता है और फिर स्कॉलरशिप हो तो क्या ही बात है. सर प्लीज़ इससे मुतालिक मुझे बताइएगा कौन कौन सी फील्ड, यानी साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज है, कौन कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्चुअली में खुशी की खबर है? थैंक यू वेरी मच समा टीवी का कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हमारे हैं. आपको ये आइडिया है कि पाकिस्तान की 64% आबादी जो है उसकी उम्र है 30 साल या उससे कम है. तो ये एक बहुत बड़ा कैपिटल है हमारे पास जिसको कि हम सही यूटिलाइज करें तो हम इस मुल्क की काया को तब्दील कर सकते हैं. हंगरी स्टाइपेंडम हंगेरिकम जो पहले आपने जिक्र किया वो एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें हंगरी 65 मुल्कों के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है अपने यहाँ स्टडी करने के लिए और पाकिस्तान उन मालिक में शामिल है जिसमें कि तकरीबन हर साल हम 200 बच्चों को भिजवाते हैं. अभी इसमें खसूसी बात यह है कि अंडर ग्रेड्स को बहुत कम कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं जो अंडर ग्रेड करने के लिए जाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम 125 बच्चे जो है ना भिजवाते हैं अंडर ग्रेड के लिए, 50 भिजवाते हैं मास्टर्स के लिए एंड 25 भिजवाते हैं हम PhD के लिए. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये फुली पेड है जिसमें कि वहाँ पे अकोमोडेशन भी मिलती है
उसके अलावा जो है ना वो 200 यूरो तक मिलते हैं अंडरग्रेड्स को और अबाउट 400 यूरो स्टाइपेंड मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्कॉलर्स को अकोमोडेशन के अलावा। अच्छा। और एजुकेशन भी फुली फंडेड है। सही। अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि इंटरमीडिएट करने वाले बच्चों को आप क्या मशवरा देंगे कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वो किन मज़ामीन पर ज़्यादा फोकस करें? जी देखिए आपको आइडिया होगा कि अभी 21st सेंचुरी के स्किल्स जो है ना वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू दूसरे उसे, तो अभी जो बच्चे हैं उनको भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और उनको ऐसे ऐसे फील्ड्स में जाना पड़ेगा जो कि पहले एक कन्वेंशनल उससे निकलना पैराडाइम से निकलना पड़ेगा। तो उसमें नेचुरल साइंसेज हैं, हमारे सोशल साइंसेज हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हैं, जो इसके अलावा इवन म्यूजिक के भी इसमें कोर्सेज हैं और डिफरेंट जो जो भी बच्चे वो करेंगे इन फील्ड्स में ये इसमें ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए। सर ये भी बता दें कि जब स्कॉलरशिप दी जाएगी उसके लिए काबिलियत का मयार क्या होगा? अच्छा इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए और क्या इसके ताल्लुक ऐसा भी है कि प्रायोरिटी दी जाएगी कि अच्छा अगर ये अंडर प्रिविलेज्ड इलाके से है तो इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा भी मामला होगा? जी ऐसा है कि 50% मार्क्स काउंट होंगे मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के और 50% मार्क्स हम लेंगे, एक हैड टेस्ट होता है हमारा HEC का कि जिस सब्जेक्ट में वो जाएगा उससे रिलेटेड फील्ड में हम उससे टेस्ट लेंगे, तो 50% इनके मार्क्स होंगे। जब स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो ये जब दोनों हमारे पास आ जाएंगे तो हम एक मेरिट डिटरमिन कर लेंगे और वो मेरिट पर हम हंगरी जो टेम्पस फाउंडेशन है हंगरी का उनके साथ हम शेयर करेंगे। फिर आपको 125 लोग ही भेजने हैं। जी 125 और कुछ हम रिजर्व रखते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ड्रॉप आउट्स हो जाए तो उनके लिए भी हम कैटर फॉर करते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलेगा, मिसाल के तौर पर रिहाइश वगैरह कौन कौन सी चीजें जरे गौर है? जी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हंगरी के 25 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि इंग्लिश में एजुकेशन ऑफर कर रही हैं और हंगरी सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है और 2000 साल पुराने इसकी तारीख है। तकरीबन इसमें ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ आठ जो है ना नोबल लॉरिएट्स जो है ना वो अफिलिएटेड हैं। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो एक आला मेयार का इंटरनेशनल तालीम मिलेगा स्टूडेंट को जिसका कोई निमल बदल नहीं है। अभी इस तालीम को हासिल करने के लिए जहाँ पे लोग लाखों रुपए खर्चते हैं, डॉलर्स खर्चते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को अपने जेब से एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। इट विल बी फुली फंडेड, उसका जो एयर फेयर है वो हम देंगे, वहाँ पे फुली जो है ना फंडेड एजुकेशन मिलेगी और अकोमोडेशन मिलेगी एंड इसके अलावा मंथली सब्सिस्टेंस के लिए जैसे मैंने बताया कि 120 यूरो मिलेंगे अंडरग्रेड्स को और तकरीबन 400 यूरोस मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो कि फुली। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए कि जिसमें कामयाबी हासिल कर सके। सर आपने भी कुछ देर पहले कहा कि हैट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और 50% मार्क्स उसके होंगे, सर जो भी वो मार्क्स मतलूबा मार्क्स हासिल कर पाएगा क्या उसके बाद आयल्स और टोफल ये करना होगा? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि जो हंगरी के मैंने बताया कि 25 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फुली इंग्लिश में ऑफर कर रही है और उसको जो है ना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से स्कूल से कि यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंग्लिश, तो वो दैट फुली कवर्स द थिंग। ठीक। अच्छा सर ये भी बताएं कि क्या अप्लाई करते वक्त पासपोर्ट, मेडिकल और पुलिस सर्टिफिकेट्स जमा कराना लाजिम होगा इनिशियल स्टेज पे? जी इनिशियल स्टेजेस पे अगर हो तो गुड इनफ, हमें चाहिए उसके एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं ड्यूली अटेस्टेड और ये जो बाकी पासपोर्ट्स एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो अगर ना भी हो तो हमारे पास टाइम है उसको बाद में कवर करने के लिए। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि स्टूडेंट जब अप्लाई करता है तो वो दो यूनिवर्सिटियाँ इंडिकेट कर दें कि प्रेफरेंस के हिसाब से कि इन दो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वो ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वो फिर हम शेयर करते हैं हंगरी वालों के साथ टेम्पस फाउंडेशन के साथ जी। और वो फिर वो यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को फिर जो है ना वो इंटरव्यू करती हैं और फाइनल सिलेक्शन पर वो करती हैं। ठीक सर एक चैलेंज दरपेश है HEC को, वो चैलेंज ये है कि जो भी स्कॉलर्स यहाँ से जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए अक्सर उसमें से स्लिप हो जाते हैं और HEC की रिपोर्ट के मुताबिक 400 स्कॉलर्स माजी में वहाँ पर स्लिप होकर वापस नहीं और इससे 5 बिलियन का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ा, यानी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा HEC को, अब इसको कैसे देखा जा रहा है कि कैसे इस मामले से निपटा जाए? देखिए आपको आइडिया होगा कि
इस वक्त भी तकरीबन हमारे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि ओवरसीज हम भिजवा रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि इतने मतलब लाखों डॉलर जब हम खर्चते हैं तो इसका नुकसान हमारी फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि वापस आके पाकिस्तान को सर्व करेगा। अभी अगर कोई वो नहीं करता तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके लिए हम एक श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं स्टूडेंट से कि वो वापस आके पाकिस्तान में इन केस ऑफ अंडरग्रेड वो 2 साल और इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वो 3 साल सर्व करेगा, उसके बाद ही इज फ्री टू गो जहां पे भी वो जाना चाहता है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके साथ साथ चीनी स्कॉलरशिप से भी हम थोड़ी बात करना चाहते हैं कि किस तरह हमारे तलबा अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं चीनी स्कॉलरशिप पर। जी देखिए, चाइना में इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहाँ पे स्टडी कर रही है। ये जो है CSC जिसको चाइनीज स्कॉलरशिप कॉरपोरेशन कहते हैं, हमारा चाइनीज के साथ एक एग्रीमेंट है जो कि उनके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर वो करते हैं। वो हमें हर साल जो है ना स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड और PhD के लिए, तकरीबन 60-70 स्कॉलरशिप्स वो ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी हमने एडवर्टाइज की हुई है और इसमें जो है ना वो तकरीबन 289 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि हमारे बच्चे जो है ना वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और ये भी फुली फंडेड विद स्टाइपेंड जो वो करना पड़ेगा। सर लेकिन एक इम्प्रेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कि जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज से हम डिग्री लेंगे अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से तो वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से पढ़ने का स्कोप ज्यादा चाइनीज का नहीं है। सर इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए HEC क्या कर रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि एक तो हमारा कंसोर्शियम है इनके साथ हम कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि ये चाइना और वेस्ट से ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है। ओके। तो अगर जो है ना अगर 500 टॉप दो तीन तरह की रैंकिंग होती है, एक QS रैंकिंग है, एक टाइम हायर रैंकिंग है। तो आपको बच्चों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब भी जिस यूनिवर्सिटी में भी वो जाए तो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें कि अगर तो इसमें 200 टॉप 300 यूनिवर्सिटियां आती हैं तो देन इट इज इररिस्पेक्टिव कि कहां पे पढ़ रहे हैं। ओके, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। सर एक बात मुझे और बताएं, इस साल जाहिर है ड्यू टू COVID-19 बहुत से मसाइल रहे तालीमी मैदान में रहे। अमेरिका से जो खबर आई कि वो बच्चे जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपने अपने मुल्कों में चले जाएं, तो सर जो स्कॉलरशिप्स अब हैं और जो मजीद आ रही हैं इस पेंडेमिक की वजह से कितना नुकसान होने वाला है इन स्कॉलरशिप्स को, इन प्रोग्राम्स को? इतना सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं होगा जो जिस तरह मैंने ये हंगरी का बताया था। आप देखें इस वक्त हमारे 636 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, हंगरी में पढ़ रहे हैं इसी स्कॉलरशिप के तहत। अभी उन्होंने इतना अच्छा इनको लुक आफ्टर किया इस पेंडेमिक के अंडर कि एक भी बच्चा वापस नहीं आया हमारा वहां पे। उन्होंने इनको अकोमोडेशन फूड और स्टाइपेंड वगैरह के साथ किया तो उससे नहीं पढ़ा। सिमिलरली चाइना में भी जो हमारे स्कॉलरशिप्स पे थे वो भी वापस नहीं आए, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको लुक आफ्टर किया। जो जो लोग आना चाहते थे उनको हमने फुली फंड करके पेंडेमिक के दौरान वापस ले आए थे उन लोगों को। ठीक सर, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे हसन जलील शाह साहब। जो एक स्कॉलरशिप है यकीनन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अच्छा इस लिहाज से हम कहेंगे ब्रिज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन ख्वाब होता है बाहर जाके तालीम हासिल करना, अब स्कॉलरशिप के ज़रिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा और अवामी मसाइल की बात करेंगे। बल्दिया के अवाम का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज इस वक्त जारी है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया है कि बल्दिया सेक्टर 8 में बंद होने वाले हाइड्रेंट को खोला जाए। तो अवाम का ये मसला, और इस वक्त अवाम हमें सड़कों पे नज़र आ रही है अपने मसले को लेकर, और इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है कि जनाब जो हाइड्रेंट बंद किया गया है उसको खोला जाए ताकि अवाम की मुश्किलात आसान हो। अवाम को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है, मुजाहरीन का ये मुतालबा है। पानी की सहूलत ना होने से मकीनों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बड़ी एक शार्प माइंड की बच्ची से आपकी मुलाकात करते हैं। उम्र है इसकी सिर्फ 3 साल लेकिन हाफिजा ऐसा है कि बड़े बड़े हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की 3 साल नूर की, और इनको जनाब तमाम मुल्कों के तो नहीं लेकिन 50 मुल्कों के कैपिटल्स याद हैं। और यही नहीं, नूर बहुत मज़े मज़े की बातें करती हैं, इनको इस्लामिक मंथ्स भी याद हैं, और स्पेशली क्रेडिट तो ज़ाहिर है पेरेंट्स को ही जाता है जिन्होंने इनको ये याद कराया। तो आज हमें नूर ने ज्वाइन किया है फ्रॉम दुबई। नूर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? How are you?
ग्रेट नूर फरहान, मुझे जरा ये बताएं कि ये याद कौन कराता है आपको सारे कैपिटल्स, इस्लामिक मंथ्स और ये लैंडमार्क्स, कौन याद कराता है? सो यू हैव अ सुपर मॉम, माशाल्लाह। तो क्यों ना नाजरीन के लिए हम आपसे कुछ करें सवाल, ताकि नाजरीन जान सकें कि आपको वाकई रटे हुए हैं। तो मैं मुश्किल मुश्किल वाले पूछ लेता हूं ना आपसे। अज़रबैजान का कैपिटल बताएं। ओके एंड हंगरी। हाउ आर यू? कैपिटल्स पूछ रहा हूं बेटे। क्यूट सी लग रही है ना। अच्छा नूर मुझे ये बताएं कि अंकल शिव आपको अंकल, हाँ ठीक है अंकल, जो आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब बाद में दीजिएगा। सबसे पहले अंकल को बता दे। सबसे पहले चाइना के कैपिटल का नाम बताएं आप। अच्छा मेरा ख्याल है आई थिंक आवाज सही जा नहीं रही, अदरवाइज जब हमारी इनसे पहले बात हो रही थी ना तो मैंने इनसे बहुत सारे कैपिटल्स पूछे थे। अब नूर आपको आवाज आ रही है? यस। नूर ने नाश्ता किया है, क्या नाश्ते में खाया है? Noor is so busy in playing with a stuffed toy, she is not at all answering us. लगता है या तो नूर की मामा ने आज उनको हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कराया, या कभी इम्कान है कि आज नूर को इस नया दिन के लिए जल्दी उठाया गया, क्योंकि बच्चे नॉर्मली लेट जल्दी जब उठते हैं ना वैसे चिड़चिड़े से हो जाते हैं और फिर वो मूड में रहते हैं। और जनाब जब बच्चे मूड में हो तो फिर मैं कहती हूँ कि कौन से अब्बा ऐसे दुनिया के जिनका मूड बहाल कर सके, ऐसा नहीं होता। आपको शुएब आते हैं कैपिटल्स के नाम 50 मुल्कों के, वैसे आते हैं खबरदार मुझसे आपने लाइव पूछा। नूर आपको मेरी खूबसूरत सी आवाज आ रही है? उठ होए। आई थिंक शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही। अच्छा नूर आप बेटे अगर मुझे सादी आवाज भेजें, खूबसूरत ना भेजें। बेटे अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप मुझे बताएगा आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है? दूध पिए। गुड, दूध तो अच्छा होता है yes. के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई मैंने सुना है कि आपको बहुत सारी जगहों के कैपिटल्स के नाम याद हैं। शुएब अंकल मुझे सुबह से कहते हैं जब नूर से बात होगी ना देखना वो ऐसे फरफर चीजों के जवाब देंगे। नूर ने बताया था। हाँ ना, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी चाइना yes. वाह ये देखे अब एनर्जी आई है। चाइना के कैपिटल का नाम जल्दी से बता दे। बीजिंग। टर्की का बताए। टर्की अंकरा। एंड कतर? दोहा। स्विट्जरलैंड? बर्न। हंगरी? बुडापेस्ट। ग्रेट, चले अब देखें याद है उसको सारे के सारे। अच्छा काम कर गए। दूध काम कर गए जी, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं नूर आपको तो यूएई के लैंडमार्क्स भी याद हैं कि कहाँ का कौन सा लैंडमार्क है, तो जरा मुझे प्लीज। मेडिकल गार्डन। वाह भाई, फेवरेट कौन सा? बुर्ज खलीफा। ओके बुर्ज खलीफा आपका फेवरेट है, तो ये सारा कुछ मामा याद कराती हैं। एरेसबर्ग, यस एरेसबर्ग, जबरदस्त जी। तो नूर ये सब कुछ मामा ने ही याद कराया है? Yes. तो अभी आप स्कूल नहीं जाती राइट? Yes. See, she's not going to school. उसकी मामा ने कुछ याद कराया, ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि बाबा ने कुछ याद करवाया आपको? अब्बा ने अम्मी लाके दी थी ना। अच्छा नूर मुझे ये बताएं आपके बाबा ने आपको कोई चीज याद करवाई? नूर इज थिंकिंग कि ऐसा कुछ है या नहीं। नूर एक बात और, आपको इस्लामिक मंथ्स के नाम भी तो आते हैं। हराम, सफर, रविशनी, नमाज, अव्वल, रजब, शवाल, रमजान,
माशाल्लाह, देखे सिर्फ 3 साल की ये बच्ची है, जाहिर तभी तो बात करने में थोड़ा सा ना मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि जाहिर है शी इज जस्ट 3 years old. बट आप देखिए उन्हें इस्लामिक मंथ्स के नाम याद हैं, अभी अगर हम वक्त होता हम कलमे सुनते हैं, कलमे भी याद हैं इन्हें, सूरज भी याद हैं, और कैपिटल्स तो हमने कुछ पूछ लिए, वैसे इन्हें काफी ज्यादा कैपिटल्स याद हैं। और ये देख रहे हैं, ये वो कह रही हैं कि सारा क्रेडिट उनकी अम्मा को जाता है कि जनाब, मैंने ये उनकी बात सुने बगैर ही कहते थे कि जाहिर है ये क्रेडिट जाता ही वालिदा को है भाई, बच्चों पर जितनी मेहनत वालिदा करती है कोई और नहीं जाहिर करता। तो जनाब ये ना घर का माहौल, और इसलिए तो कहा जो माँ है उसकी गोद पहली दरसगाह होती yes. है। जनाब नूर आपका बेहद शुक्रिया, आप इतनी सुबह सुबह उठी, आपने जनाब दूध पिया और फिर आपने हमसे थोड़ा सा ताकतवर होके बात भी की। आगे बढ़ते हैं जरा दुनिया भर का हम चक्कर लगा लेते हैं, कोरियन कंपनी ने कैसे प्रोडक्ट तैयार किया है जो आपके कपड़े सैनिटाइज करके उसे जरासीम से पाक कर देगी। एयर ड्रेसर एक पोर्टेबल वार्डरोब की तरह है और ये आपके कपड़े सैनिटाइज करने की सलाहियत रखता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनाब बड़ा महंगा होगा ये। पर क्या सिर्फ जरासीम से पाक करता है या कि वायरस से भी पाक करता है? ये देखिए, ये भी एक सवाल है। इतने इंटेलिजेंट है भी नहीं ज्यादा, इस आलू के पराठे खाते हैं अभी तक यहाँ पे रखे, खाने का मौका नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं और जरा हमले की बात करते हैं जो कि किया है शेर ने। सियासी शेर नहीं है, रिलैक्स, मैं आपको कहीं और लेकर जा रहा हूँ। जंगली हयात पर तहकीक करने वाले साइंटिस्ट शेर ने हमला किया बोट्सवाना के जंगल में। ये साइंसदान थे, कैंप में मौजूद थे, बल्कि कैंप में सो रहे थे कि शेर घुस आया और शेर ने उसके बाजू को अपने जबड़े में जकड़ लिया, चीर फाड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी और शेर के मुंह पर ताबड़तोड़ हमले किए। खुशकिस्मती उनकी ये कि जो उनके एक साथी थे जो दूसरे खेमे में सो रहे थे वो उठे, एक शाख उन्होंने ली और शेर पर हमला कर दिया और उसे फिर भगाने में वो कामयाब रहे। और मेरे ख्याल से दोस्त ही दोस्त के काम आता है, और अगर ऐसे वक्त में ये दोस्त दुश्मन बन जाए तो सोचिए क्या होता। इन्हें शेर को भगाने के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करनी पड़ेगी। अब आपने चुका है, ये एक गैर सियासी बयान। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत में घरेलू मुलाजिमा को चोरी किए गए जेवर पहनकर व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर लगाना बहुत महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुलाजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अमूद नामी शख्स के फ्लैट पर चोरी होती है जिसमें 4 चूड़ियाँ, 1 हार, 2 बालियाँ और दीगर कीमती चीज़ें गायब हो जाती हैं। अमूद की बीवी ने मुलजिमा सुनीता को मसरूका साड़ी और जेवरात पहनकर शोहर के साथ ली गई तस्वीर देखी व्हाट्सएप पर, फौरन पुलिस को इतला दी। जब खवातीन का कोई या बेगमास का कोई जेवर चोरी ना कहीं से पता लगा लेती है वो कि कहाँ गई। तो उस खातून ने भी अगर पहन लिया था तो तस्वीर लगाएगी तो फड़ी तो जाएगी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी होता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी हम मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने समा पर आकर माहौल बना दिया, माहौल में बल्कि कहना चाहिए रंग लगा दिया। तो आपको मिलवाएंगे उनसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Yeah, Tim, the M1 is going great. We need to upgrade to the M2, bro. Yeah, totally. Dad, wo Shoaib mujhe apne Sama News mein bulana chah raha hai, wo kar interview karne. So he wants me to be there, to main jaunga kal wahan. Beta, aap heli le jao. Main to private jet pe jaunga. Beta, wo aapki mom leke gayi hai, she's in California. Theek hai, phir main usko bol deta hu, main late ho jaunga thoda. Aap pahuncho, main bol deta hu. Okay, Dad. Yeah, Shoaib, come on. Hurry up. He needs to go. यार 2 घंटे हो गए ने यार, जलील का छोड़े हैं इन्होंने कि कितने जावा यार, अगे नजदीक गर्मी मैं की करूं। कि अनथर मेकअप एदे थी कुड़ियां होंदियां ने। अच्छा मनु हुन पता लग गया जी, टाइम क्यों इतना लग रहा है, मैडम साहब मेकअप कर रही ने। की तेनू की लग रहा है, मैं काली बुथी लेके टीवी ते आ जा। ते जेड़े 2.5 घंटे हो गए ने, मैं अपने घरदियां नूं कह जी समा ऑन करो जी, मैं लाइव आ रहा, ओदा कौन जिम्मेदार है? अपनी मां नूं दस के आना सी, ए जेड़े टीवी ते प्यारी प्यारी एंकर आंदियां ना, इन्ना मेकअप होंदा है ते फिर चिट्टी ते प्यारी आंदियां ने। मैनूं लगदा मेरे नसीबां 'च जलालत ही लिखी है। मेरा कोई इंटरव्यू नहीं होना, एक काम कर। हां
निकल कोई इंटरव्यू नहीं होना दस दी अपनी मां कुड़ियां ना इतबार कोई नहीं मैं नोट चेक कर चल निकल जाओ इतना टफ स्केड्यूल है आज का 11 बजे पहुंचना है बनीगाला इमरान खान का इंटरव्यू करना है अभी भी हेलीपैड पर वेट कर रहा हूं वलीद पता नहीं कब पहुंचेगा सॉरी शुएब आई नो आई एम लेट ओह इट्स ओके वलीद बट व्हाई वर यू सो लेट आई वाज बेसिकली रिच मॉम मेरा प्राइवेट जेट ले गई थी तो मुझे हेलीपैड पे आना अरे पहले बताते हम जेट भिजवा देते या मैं खुद आके इंटरव्यू करता मैं तो आता रहता हूं वीकेंड्स पे अमेरिका मैं नहीं चाहता था आपके एक्सपेंसेस लगे यार अरे एक्सपेंडिचर की जहां तक बात है आई गेस यू गॉट द आईफोन यस यस और ये आपका 10 मिलियन का चेक बिकॉज़ हम चाह रहे थे कि आपको पहले हमें चेक दे दें फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करें थैंक यू रिच एंकर बेस्ट एंकर तो समझ तो आप गए कि आज हम किन से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक गेस्ट को तो मैं रिसीव करके ले आया और एक को मैंने बहुत भगाया 50 रुपए भी दिए लेकिन भाई वो बंदा नहीं भागा वो नहीं भागा और बाकी जो भागने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे उन सबको हमने भागने नहीं दिया सबको हम यहाँ पर ले आए हैं तो इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपको हमारे साथ मौजूद है जनाब वलीद वकार वी हैव विद अस अमीर हमजा एंड वी हैव अली हैदर आप सब कैरेक्टर्स में बताऊंगा बाद में सयाम गुल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एंड ताहा एजाज और समीउल्लाह यानी देसी मॉम हो रिच मॉम हो देसी सन हो रिच सन हो देसी डैड हो रिच डैड हो ये सब आज हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे कॉम्बिनेशन आज हमारे पास है और उससे पहले आपने एंकर्स भी देख लिए हम वही हैं हम देसी रिच नहीं हैं वी आर जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट एक्चुअली सो गुड मॉर्निंग आप सबको कैसे हैं आप स्टार्टिंग फ्रॉम रिच मॉम अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मुझे ये बताएं Why are you late? आपने इतना इंतजार हमें क्यों कराया? कहाँ मसरूफ थी आप? Actually California में university open कर रही हूँ मैं। Okay. तो उसकी inauguration के लिए मैं आया था और कुछ charity programs थे। तो मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ और अभी मेरा private jet बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा। और मुझे जल्दी से उससे बैठ के मुझे स्वीडन भी पहुँचना है। अरे वाह! और आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं और ये जो आपने सर ना खूबसूरत सा लगाया है ये यकीनन मैं तो परचेज नहीं कर सकती इसकी बहुत ज्यादा कीमत होगी। प्लीज बताएं किस ब्रांड का है ये मुझे बेसिकली सदर ओबामा अभी जब रिसेंटली इलेक्शन से उतरे हैं ना तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये अच्छा अभी रिसेंटली सदर ओबामा उतरे हैं माशाल्लाह बहुत रिच है अच्छा उस वक्त मिला है उस वक्त मिला है अब तो जाहिर है हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई गिफ्ट दिया हो हो सकता है जो बाइडेन साहब जो प्रेसिडेंट बने उन्होंने भी कोई गिफ्ट दिया और ये आप जो जी रही हैं ये बहुत हेल्दी है स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी प्लीज थोड़ा ये भी बताएं इसकी इसकी रेसिपी शेयर करें इसकी रेसिपी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर बेसिकली जो है ना ये आपको पता है कि तुर्की के लोग कितने खूबसूरत होते हैं तो ये तुर्की के शहजादे ने मुझे स्पेशली गिफ्ट किया था कि मैंने इसकी एसेंस को सूंघना है उससे मेरी स्किन की जितनी मॉइस्चराइजिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी उनको क्या मिलता है विरसे में क्या मिल रहा है उनको या वैसे क्या पास ऑन हो रहा है सब कुछ माँ ना बैठी हुई है उस पे सांप बनकर तिजोरी के ऊपर तो प्लीज बताएं वलीद आपको बताएं इनसे पिछले वीक और मुझे वैसे नॉर्मल है 2,000-3,000 US dollars हर वीक मिलते रहते हैं हर वीक में वीक मिलते हैं मैं भाई बन जाऊं आपका हाँ जरूर क्यों नहीं तुम वो आप कहाँ खर्च वैसे उड़ा देते हैं कभी कभी है ऐसे करके ऐसे करके छोटे मोटे वैसे पैसे के दोस्त अच्छा अच्छा वो अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं ऐसे ऐसे करके पैसे फेंक रहे होते हैं जरूरत है आपने किया कभी ऐसा नहीं देखिए अब मेरी रात पर दिखाने की जरूरत नहीं है अच्छा चलिए जी आप जरा हम ना साथ साथ देसी करेक्टर्स की बात भी करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर्स होते हैं जनाब इनके तो क्योंकि हमारे साथ हैं समीउल्लाह एंड सयाम अच्छा जरा करेक्टर्स की बात भी करते हैं बड़ी जान डालते हैं उनके करेक्टर्स इन वीडियोस में और जो पंजाबी होती है वो भी होती है कमाल की और माँ जो तो डालती है ना जुत्ती तो मजा आ जाता है सुन के तो क्योंकि समी और अली साथ मौजूद है तो समी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता आपको हो गया है COVID-19 आपकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आपने बताई है ये खबर अपनी माँ को क्या रिएक्शन आएगा ये हम सुनना और देखना चाहते हैं तो बहुत बुरा आएगा आप देख लें
अम्मी जी मैंने आपको एक बात बतानी थी। क्या बोल रहे हैं बताओ। मैंने ना टेस्ट करवाया तो मुझे कोरोना हो गया। की क्या है कोरोना? कोरोना वरोना कुछ नहीं है, सारा ड्रामा है। ऐसे मोबाइल नु ना प्रमोट करने की साजिश है। इन्होंने की सलाह बनाई है कि बच्चों यूनिवर्सिटी छड़ाने हैं, स्कूलों छड़ाने हैं, पहला ध्यान अग लगने का मोबाइल प्रमोट होने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। तो तेन कितों कोरोना हो गया है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਿਆਮ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ? ਹੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਸਿਆਮ। हाँ वो एक्चुअली अम्मी मुझे ना आपने दही लेने भेजा था, मुझे पता है, तो अब मैं इधर कराची आ गया हूँ, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपने मुझे मिस तो नहीं ना किया? ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੇਖ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕਮਾਉ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੰਮੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਆ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੋ ਸੁਣ ਲੈ। ਕੀ ਅੱਗੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੈ? मेरी बात तो पूरी सुन ले। मैं मुझे वलीद ताहा ने पकड़ लिया, इनका कसूर है, इनको पकड़े। अच्छा जी जबरदस्त। और ताहा, क्योंकि ताहा के पास दो करेक्टर है। तेरा कसूर है, तेनू अपनी मां दा डांटी है। यार बिल्कुल बहुत डाडी से लाल पीला नीला हो गए। बहुत डाडी माँ है भाई, बहुत डाडी माँ है। लेकिन अच्छा, अक्सर ना जब माए डांट रही होती है तो बाप आते हैं, वो सेव करते हैं। और हमारे पास है ताहा, जो कि दो करेक्टर्स निभाते हैं। वो देसी फादर भी बनते हैं, वो रिच फादर भी बनते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड। तो ताहा, अभी इस सिचुएशन में आपने इस बच्चे को कैसे बचाना है, बीइंग देसी फादर? ऐ जरा ना श्याम, ऐ अपने मामियां ते गया। ऐ जरा ऐ ही सारा खानदान ही निकम्मा है। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਮੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਾ? ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚਾਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਪੈਣੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹ ਲੈ ਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਨਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੰਮੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। अम्मी ने फोन अगर कर दिया मामू को, पता मामू ने फोन कोई नहीं चुकना। मामू कह रहे होंगे हमने बड़ी मुश्किल से भेजा। अच्छा, और ताहा आप ही, नाउ यू आर रिच फादर। बड़ी सख्त नंद भी है भाई ये तो, क्या मामा बिल्कुल सही किया, ये इसी काबिल है। मुझे डांटते रहते हैं फजूल में। ये वही बेटा जो मेरे से लाख रुपया लेके बाद में आईफोन ले लेता है। मैं बाद बिजनेस करना है, बाद में आईफोन ले गया था। अब आ देखो कटिया से मार भी मैं करके दे तो अच्छा है। लाइव चल रहे हैं, फिर की लोगों को पता लगे बदतमीज ला दे मेरी। सही बात है, मजा आ गया। अच्छा ताहा, अब अगर रिच फादर की एक्टिंग आप कर रहे हो, उस कैरेक्टर में हो, तो उसमें हमने थोड़े से झलक तो आपको देख आपकी देखी कि आपने जिस तरह अपने बेटे को आज शुरू में भेजा कि आपकी जो वाइफ है वो कैलिफोर्निया में गई हुई है, वो वापस आ रहा है, ट्रीटमेंट्स भी होंगे, स्किन ट्रीटमेंट्स भी होंगे, और आपने फिर प्राइवेट जेट के बजाय ने हेलीकॉप्टर में भेजा यहाँ पे। हाँ जी, मैंने उसको अपने बेटे को मैंने हेलीकॉप्टर पे इसलिए भेजा था क्योंकि उसकी मॉम लेके गई है दूसरा प्राइवेट जेट, वो भी कैलिफोर्निया में। एज शी टोल्ड यू, सो आई एम मिसिंग यू हनी, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। आई मिस यू। नाइस। तो ये जरा रिच मॉम बताएं तो सही, रिच मॉम आपको ये बहुत मिस कर रहे हैं, तो आप कब आएंगी वापस? मेरा जब दिल करेगा मैं तब आऊंगी वापस, ये तो मिस करते रहते हैं। तो जनाब मुझे पता ही मुझे क्यों मिस कर रहे हैं, जो पिछली 10 बिल्डिंग्स इनके नाम नहीं ना किए, बस वो अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। तो ये मसला है भाई, असल में तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी जबरदस्त। तो जनाब फॉर ऑल द व्यूअर्स, ये हमारे बड़े प्यारे कैरेक्टर्स आज सारे हमारे साथ मौजूद हैं, तीन हमारे स्टूडियोज में, दो अपने अपने घरों से। तो बड़ा मजा आ रहा था इनके कैरेक्टर्स को जानकर, इनको पहचानकर। अब जरा हम पूछते हैं रियल लाइफ में क्या रूटीन इनकी होती है। वलीद, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे थोड़ा सा बताएं कब से आपने ये वीडियोज बनाना शुरू की, आइडिया किसका था, फिर कैसे आपके कैरेक्टर्स ऐड होते गए?
बेसिकली 2013 में हमने एक आइडिया ये इनिशिएटिव लिया कि हमने सोचा कि हम वीडियोस बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो हमने फेसबुक अपलोड करना शुरू की और वो वायरल चली गई मैंने और ताहा ने बेसिकली, तो हम दोनों दोस्त थे बचपन के। हमने फिर उसके बाद पेज बनाया और आहिस्ता आहिस्ता फिर श्याम आ गया, फिर अली आ गया और रिच मॉम आ गई और उसके बाद समीला आ गया, तो सब बेसिकली इस तरह जुड़ते गए। तो अब हम छह लोग हैं इकट्ठे और हम इकट्ठे अपना अपना एक करेक्टर निभाते हैं। तो ये बताएं सबसे फेवरेट करेक्टर आपको अपने उसमें कौन सा लगता है? मुझे अपने अलावा आरजे और अली, क्योंकि अमेजिंग वर्क, अमेजिंग एक्टिंग, अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस और आरजे की स्किल्स और अली की जो टैलेंट है, मामा ठंडियां छावा, बिल्कुल बिल्कुल, दो माम के करेक्टर्स हैं। रिच मॉम, रिच मॉम, जाहिर है बेस्ट मॉम, रिच मॉम बेस्ट मॉम, देसी मॉम वखरी मॉम। अच्छा ताहा मुझसे ये बताएं कि मतलब कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही हो या कोई वीडियो बना रहे हो पेट में दर्द हो जाता है, जब हम अभी exactly. तो मुझे हंसी आ जाती है, मैं कहती यार ये कैसे होगा, और मेरी तो हंसी ऐसी है कि एक दफा आती है तो फिर जाती नहीं है, हंसती रहती हूँ मैं, तो ऐसा कभी होता है? हाँ जी मेरे साथ हर दफा ऐसी होता है, हम जो जैसे वीडियो शूट करते हैं ना, हमारे जैसे डायलॉग खत्म होते हैं हम लेट लेट के हंसते हैं सारे। अच्छा अगर हम आप हमारी वीडियोस गौर से देखें ना तो आपको नजर आएगा कि हमारी वीडियोस के एंड पे बिल्कुल एंड से ना जहाँ पे कट होने लगती है वहाँ पे उससे पहले थोड़ी देर पहले ना सारे हंसना शुरू हो जाते हैं। और इवन आप हमारे ब्लूपर भी देखें तो हम बहुत ज्यादा हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। सयाम कभी इन एक्चुअल हुआ अली ने आपको मार दिया और देसी माँ बन के एक लगा दी हो? ये जान के लगाती है, सही बात है ये, इसको अगर कोई मुझे मारता ना कोई टेक लेता है तो टेक बिल्कुल सही होगा, इसको रीटेक ना पहले कर ले, मैं तू भाई मुझे मारने के लिए आया, उनका तो हाथ ही बहुत भारी लग रहा है मुझे। सही बात है, ये हल्का सा भी लगाता है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा, कसम से बड़ी लगी है ये। अभी रिसेंटली हमने वीडियो बनाई तो कहते मैं बिल्कुल हल्का लगाऊंगा, हल्का सा हमारा यकीन माने वो दो दिन दर्द नहीं गई है बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा तो अली जैसे देसी मॉम का करेक्टर आप कर रहे हैं, तो जो आपकी अपनी अम्मा है हाँ। उन्होंने कभी जुतियां शुतियां उतार के लगाई है मैं? हाँ ये करेक्टर आपके हाँ। अंदर कैसे आया है? अगर आप सीरियस पूछे ना तो ये चीज मुझे वहीं से मिली। और ये उसका गुस्सा हम पे उतार रहा है। रात को पता है रात का टाइम होता है तो आवाज गूंजती है, तो मैं रात के 12 का टाइम था, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था और उनजुन जी बोल रहा था, तो एकदम से ना एक बंदा पूछता है कि भाई आपके पास आइडियाज कहाँ से आते हैं देसी मॉम के, साथ ही मेरी माँ की आवाज आती है की करना है और सेम क्वेश्चन फ्रॉम द रिच मॉम, आपके अंदर ये करेक्टर कैसे आता है? एक्चुअली मैं होम ट्यूशन इसकी सर्विस लेता था लाहौर में डीएचए और ये कैंपस वाली साइड पे, तो वहाँ पे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना मैं उन्हें डेली कहता था मुझे अपनी मदर से मिलवाया, मुझे कुछ कंप्लेन करनी है, कुछ मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो कहते थे अम्मी आज दुबई गई है, फिर कभी कहते थे अम्मी स्वीडन नहीं है, वो 6-7 माह मैंने उनके घर पढ़ाया लेकिन वो मुझे अम्मी नहीं मिली, वो वो लास्ट डे इसके अंदर जब मुझे मिली ना तो मुझे बिल्कुल ही यकीन ही नहीं आया कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी करती है, उनका उठना बैठना स्टाइल और बात करने का, तो वो ये था कि वो पाकिस्तान में से 1-1.5 माह रहती थी बाकी वो घूमती रहती, तो उनको मैंने बड़े अच्छे से जबरदस्ती से यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली। जबरदस्ती आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच, वीडियोस आपकी बहुत मजे की होती हैं और आप सबके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा है, तो जो भी आपके करेक्टर्स होते हैं ना वो आज हमें वाकई फील हुआ कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। और देखिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है दूसरों को हंसाना, yes. उनका दिल लगा के रखना उनके लिए, यू नो अगर हम कहते हैं कि अच्छा रौनक लगाई हुई है पंजाबी में से कहते हैं रौनक मेला लग गया है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, हर वक्त एक तरह के मूड में नहीं रह सकते बिल्कुल, बस। लेकिन आपको जो है अपने ऊपर काबू रखना पड़ता है, कभी गुस्सा भी होता है दिल कर रहा होता है बाकी चंड लगा दे, लेकिन आप वो हाथ जरा कंट्रोल करके आप लोगों को हंसाने के लिए बड़ी जबरदस्ती वीडियोस भी बना। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है रिच मॉम और देसी मॉम से ना ज्यादा बात करके, वैसे तो सब करेक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट मैं चाह रहा हूँ कि देसी मॉम हमारे भी शान में कुछ अर्ज कर दें मेरे और महक के।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੰਮਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये I love you। ये कसूर रिच मॉम का था, उनकी वजह से हम लेट रिच। एक्चुअली उनकी फ्लाइट डिले हो गई। ओह यस, तो रिच मॉम प्लीज अब आप हमें बचाएं, आप ही हमारी कोई तारीफ कर दें, क्योंकि उन्होंने तो हमारा तिया पांचा एक कर दिया है, कख नहीं छड़िया। कोई मसला नहीं है, इसको एक डेढ़ करोड़ भी सुनाऊंगी ना तो ये खुद ही चुप हो जाएगा। एक दो करोड़ में चुप हुई है वैसे। हाँ, अगर आपको भी चाहिए आप मुझे एनी टाइम 24/7 आप मुझे कॉल रेडी, आपको पहुंचा के चाहिए। चलिए जी, रिच मॉम बेस्ट मॉम, नो 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 बकरी मॉम, देसी मॉम बेस्ट मॉम। ये मेरी अम्मी की तारीफ नहीं कर ये तुम पहले दही लेके घर पहुंचो। ये देख ले मामा, मैं तारीफे करना चाह रही हूँ, सारे देसी रिच मॉम कह रहे हैं, सबकी तारीफें अपनी जगह, लेकिन असल तारीफ बनती है माँ की भी, माँ की यानी देसी मॉम की भी, माँ की उनके इंस्पिरेशन वहां से मिली है, उनको हमारा बहुत सलाम भी। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा, जिन्होंने देखा होगा, अगर पंजाबी बोलने में कहीं कोई गलती रह गई हो तो तमाम पंजाबी बहन भाइयों से मेरी तो माफ़ी। नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्टली भाई बहुत मजा है, स्पेशली मैं आपकी पंजाबी पंजाबी बड़े जबरदस्त। अभी खेल के मैदान से खबर है कि न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, 373 रन के ताकुब में कौमी टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया, शुएब बताइएगा। आज बिल्कुल ऐसा ही है, न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 101 रन से हरा के ना सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि टेस्ट क्रिकेट की नंबर वन टीम भी बन गई है। उनकी तारीफ अपनी जगह, लेकिन असल आज का दिन जो है वो फवाद आलम के नाम रहा, जिन्हें 11 साल इंतजार करवाया गया, और जब वो 11 साल बाद मौका मिला उन्हें तो अब उन्होंने अपने दूसरे ही मौके में सेंचुरी दाग दी, और ऐसे मौके में जब पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो बड़े मार्जिन से हारे, उस मार्जिन को ना सिर्फ कम किया बल्कि मैच को एक मौके पे इस पोजीशन में ला खड़ा किया था कि पाकिस्तान ये मैच जीतने की पोजीशन में लग रहा था। फिर उसके बाद फवाद आलम के साथ जो है वो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत अच्छी बारी ली, 60 रन की उनकी बारी जो है वो भी ऐसा लग रहा था कि मैच के नतीजे को बदल देगी, यकीनी शिकस्त से पाकिस्तान या तो मैच जीत जाएगा या फिर कम अज कम ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फवाद 102 और रिजवान 60 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद हमारे जो बकिया टेल थी वो भी नहीं जो है वो सकी, और इस मैच में हमारा टॉप ऑर्डर जो था टॉप फोर प्लेयर्स का अगर कहें तो बुरी तरह नाकाम रहा। पहली इनिंग में शान, आबिद, अजहर और हारिस के सारों के रन मिलाए तो वो 48 रन बनते हैं, जबकि दूसरी इनिंग में हमारा ओपनिंग प्लेयर तो 0-0 पे आउट हुआ और यही टॉप फोर जो है वो 47 रन बना सके। तो टॉप ऑर्डर की नाकामी, बॉलर की नाकामी, नतीजा जो है वो पाकिस्तान को मैच की शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। शुक्रिया शुएब जट, आपने अपडेट किया इससे मुतालिक। सिर्फ 3 इंच की साइकिल, ये सोच के आप हैरान हो गए होंगे कि मैं बात 3 इंच की साइकिल ही कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली कोई टॉय होगा, कोई ऐसा पीस होगा जो कि आप ड्राइंग रूम में रखेंगे। नहीं जनाब, वो 3 इंच की साइकिल किसी ने चलाई। लैया सिंह का ताल्लुक है नसर आलम साहब, अपने 2 बेटों के साथ इन्होंने 3 इंच की साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। दावा ये कर रहे हैं कि इतनी छोटी साइकिल कभी किसी ने नहीं चलाई, तो क्यों ना आज इसी से मुतालिक बात की जाए। आइडिया कैसे यार, ये साइकिल चलाना क्या इतना आसान है ना, और इतना मतलब मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। और देखिए ये सबसे अच्छी बात है, हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुझे लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यही गेस्ट हैं जिन्होंने इतनी मुन्नी चुन्नी सी साइकिल बनाई। बहुत ही मुन्नी चुन्नी जनाब, अरे वो खुद भी चला रहे हैं, वो खुद भी चला रहे हैं, खुद भी चला रहे हैं, उनके बेटे भी चला रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसर आलम साहब अलॉन्ग विद सन्स। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले बताएं सर, ये आइडिया आपको कैसे आया कि 3 इंच की साइकिल बनानी है और फिर वो चलानी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद नसर आलम चौहान मेरा नाम है, लैया से ताल्लुक रखता हूँ, लैया पंजाब से। ये 87 की बात है कि उस दौर में बड़े साइकिल पे कॉलेज दौर में मैंने स्लो साइकिलिंग में रिकॉर्ड कायम किया था, 50 फुट का फासला आधे घंटे में तय करे। फिर 2015 में मैंने एक वीडियो देखी छोटे साइकिल की, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी छोटा साइकिल तैयार करूँ फिर उसको चलाऊँ।
सही। 2015 में फिर मैंने ये साइकिलें तैयार की, ये साइकिलें भी मैंने खुद तैयार की हैं। अच्छा, चार दो इंच फ्रेम, अढ़ाई इंच, तीन इंच और 3.5 इंच फ्रेम की। अच्छा, चार साइकिलें मैंने तैयार की हैं। तो नसर साहब, ये टोटल चार साइकिलें जो कि आपने तैयार की, ये अभी पूरी दुनिया में एजाज सिर्फ आपके पास है या किसी और ने भी इस तरह की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी साइकिलें बनाई है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने तैयार की हैं, इसके अलावा और किसी ने तैयार नहीं की। एक शख्स है जिसने 3 इंच की साइकिल शायद किसी कंपनी से बनवाई हो। ओके। वो चला। अच्छा, लेकिन आपने तो कहा 2 इंच की साइकिल भी है। ये सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 इंच फ्रेम की साइकिल है। 2 इंच फ्रेम की साइकिल है ये। इसमें ट्राई एंगल फ्रेम जो है ना, सेंटर से ऊपर ये 2 इंच, ये लंबाई में फिर 2 इंच की तिरछापन, वो ट्राई एंगल में 2 इंच फ्रेम। अच्छा अच्छा, समझ आ गई सर। लेकिन ये बताइएगा, ये कौन सा मटेरियल यूज किया? कितनी छोटी सी साइकिल है लेकिन ये आपका वेट बियर कर रही है, आप इस पर बैठ रहे हैं और आप इसे चला रहे हैं, तो कौन सा मटेरियल यूज किया आपने? क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि छोटी सी साइकिल है। हम तो समझे के ऊपर कोई बैठे, कोई बैठेगा पिचक जाएगी, लेकिन ये तो बर्दाश्त कर रही है, बड़ा जबरदस्त। मैं सर ये फख्र करता हूँ, ये पाकिस्तानी मटेरियल है सर। अच्छा, मैं फख्र करता हूँ, ये पाकिस्तानी मटेरियल है, ये पाकिस्तानी मटेरियल से ही तैयार की गई साइकिल है। ये चारों साइकिलें पाकिस्तानी मटेरियल से तैयार की गई। सर क्या मटेरियल यूज किया है? ये आम मेटल बाजार से, मार्केट से खरीद करके इसका डायग्राम बना के फिर इस साइकिल को मैंने तैयार किया है। अच्छा, तो सर ये वही मटेरियल है जो हम देखते हैं बाकी बड़ी वाली साइकिल्स में यूज होता है? हाँ, तकरीबन वही मटेरियल है। अच्छा, वही मटेरियल। तो सर आप जैसे, आपने 3-4 साइकिलों की आप बात करें कि आपने बनाई है, तो किसी ने डिमांड की कि हमें बना के आप दे दें, हमें चाहिए, हम खरीदना चाहते हैं? हाँ, बहुत से लोगों ने डिमांड की है, लेकिन इस पे काफी वक्त लगता है। ये 4 साइकिलें तैयार करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह लगे थे। ओके, और इसमें आपका किसी ने साथ दिया या आपने अकेले ही किया या अकेले ही बनाई है? अकेले डायग्राम बना के, इसके पीसेस बना के फिर ये वेल्डर के पास गया था। ओके, ठीक है। तो बेटा ने सिर्फ उसमें सवारी की। अब बेटा से भी बात करते हैं। मुदस्सर, मुझे पहले आप बताएं कि जब बाबा ने ये साइकिल बनाई और आप ये सोच सकते थे कि छोटी सी साइकिल जो बन रही है ये आप चलाएंगे, ये आप चला पाएंगे? जी जी मुदस्सर। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं साइकिल चला सकूंगा, फिर एक दो बार ट्राई किया था तो चल गई, गिरे थे नीचे। मैं चारों साइकिल चलाता हूँ, मैं 2.5 इंच की भी साइकिल चलाता हूँ, 2 की भी साइकिल चलाता हूँ। बहुत है, देखिए 2.5 इंच की साइकिल चलाना और फिर इस पे अपना बैलेंस मेंटेन करना। ये जो वीडियो, जो वीडियो आपने बनाई, इसमें आप लोगों ने पाकिस्तान का झंडा भी थामा हुआ है, ये बहुत ब्यूटीफुल था। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इस पे रिस्पांस कैसा आया कि पाकिस्तान का झंडा थामे लैया के ये लोग हैं जो पाकिस्तानी मटेरियल से साइकिल बनी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है और हम पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस करते हैं कि हम दुनिया में पहले शख्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जो अपने मुल्क का झंडा एक हाथ में, झंडा लेके एक हाथ से साइकिल चलाते हैं। जबरदस्त। और सर इतनी छोटी सी साइकिल ना, तो ये अगर इतनी छोटी छोटी साइकिलों की रेस लगे तो नसर साहब तो बाजी ले जाएं। अच्छा, बीच में भी मुकाबला हुआ था बाप बेटों का साइकिल, इन्हीं साइकिलों पे। अच्छा, कौन जीता? प्रैक्टिस नहीं की थी? नहीं, साइकिल मुझे मुजम्मिल, आप सबसे छोटे हैं? नहीं, बड़ा। ये तो नसर साहब, ये तो ज्यादती है, बड़े बेटे को छोटी साइकिल दे दी है। ये कंपटीशन में होता है ना ऐसे सर। ऐसा तो होता है या इस तरह, ये वजह तो नहीं थी कि मुजम्मिल का वेट थोड़ा कम था इसलिए आपने कहा छोटी साइकिल देते हैं इसको, ये मसला था? अल्हम्दुलिल्लाह वेट, वेट वाइज दोनों इक्वल हैं। अच्छा अच्छा, और हाइट थोड़ा ज्यादा है मुजम्मिल की। अच्छा अच्छा, तो सर ये जो आप रेस की बात कर रहे हैं, ये कितने, कितना ट्रैक था ये भी मुझे बताएं, कितना आपने फासला तय किया इस साइकिल पे? कितने इंच फासला तय किया इस 3 इंच की साइकिल पे?
तकरीबन 40 फुट का था, 40 फुट का ट्रैक था भाई। अच्छा था ना, देखिए इतनी साइकिल के लिए 40 फुट का भी बहुत है। शेब आप चला सकते हैं साइकिल? मुझे नहीं लगता मैं चला सकता हूँ, मैं तो बार बार गिरूंगा, मुझे बार बार चोटें लगेंगी क्योंकि छोटी सी साइकिल को बैलेंस करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने तो किया सर, मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये रिकॉर्ड आपने बनाया, तो इस हवाले से क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आप रابطے में, क्या वहां पर भी ये दर्ज कराएं? जी वहां रابطے में है सर। साइकिलिंग के हवाले से मैंने 3 कैटेगरीज में अप्लाई किया था। ओके, दो की अप्रूवल हमारी आई हुई है, अब एक की आनी है, वो हम तीनों की इकट्ठे की। अच्छा चले लैया साहब, लैया से जी जी, लैया वालों के लिए भी बड़ा फखर है ये नसर साहब, हम पूरे पाकिस्तान के लिए तो है ही, लेकिन लैया वालों के लिए भी आप बाई से फखर हैं कि इतनी छोटी साइकिल फिर आप जी 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 तो जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि छोटी साइकिल वाले आ गए हैं। छोटी साइकिल वाले आ गए ने। सर मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा हो कि बिल आम सड़क पर आप ये साइकिल चला रहे हो, ऐसा माहौल हो, आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? ऐसा करेंगे तो आसपास के लोग, उनका रिएक्शन क्या होगा? ये सर साइकिल जो चलाया जाता है ना, बिल्कुल प्लेन जगह हो, ओके, सीमेंट फर्श हो, पत्थर लगा हुआ, टाइल लगी हुई, वहां पे चल सकता है, आम रोड पे नहीं। आम रोड पे नहीं चल, जिस जो बजरी से बना हो ना रोड, फिर उससे या तो चिप्स का फ्लोर हो या कोई वुडन फ्लोर हो या कोई मार्बल का फ्लोर हो, बिल्कुल प्लेन जो प्लेन है उस पर ये चलेगा। ठीक, तो नसर साहब आप लैया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे छोटी साइकिल का एजाज, और वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि छोटी छोटी साइकिल वाले आ गए, छोटी साइकिल वाले साइकिल वाले आ गए। मैं चाहता हूँ कि एक जुमला बेटों से भी ले लेते हैं, मुजम्मिल और मुदस्सर, एक जुमला अपने अब्बू के लिए कि जाहिर है उनकी वजह से आज जाहिर है ये मकाम आपको मिल रहा है कि आपने रिकॉर्ड बनाया है, तो प्लीज़ दोनों, पहले मुदस्सर आप एंड देन मुजम्मिल, अपने फादर के लिए मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ कहिए। मेरे अबू ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, अबू का काफी सपना, अबू का शौक है कहना, अबू का नाम गिनीज बुक में है इंशाल्लाह। मुजम्मिल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हमारी मुलाकात पाक आर्मी के चीफ से हो और पीएम साहब इमरान खान साहब से भी हो। इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिलने की ख्वाहिश है भाई मुजम्मिल की है, बिल्कुल पूरी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर जी जी, मिलेंगे इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करिए, हमारी दुआएं। बेहद शुक्रिया सर साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ज़रा देखिए कि लैया वहाँ से इनका ताल्लुक और सोच कितनी अच्छी है कि कुछ करना है, नाम बनाना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ मुश्किल करना है। किया भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए, और फिर यही लोग फख्र पाकिस्तान होते हैं। यस।